जी नमस्ते, आप सबका स्वागत है। और सबसे पहले आज जो 4 मिनट का विलंब है उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। और आज हम बात करेंगे अपने चिर परिचित तुफेल जी की, और वो जुड़ चुके हैं, तो पहले हम उनका स्वागत करते हैं। नमस्ते तुफेल जी। नमस्कार नमस्कार। मैंने कहा पहले ही विलंब हो गया तो भूमिका में तो हम ना जाए, आप से वैसे ही सब परिचित हैं। नहीं और नहीं बिल्कुल आराम से बात करें, जी, आराम से बात करें। ये ना कई दिनों से बहुत लोगों की इच्छा थी कि तुफेल जी का हम जीवन के बारे में जानना चाहते हैं कि उनके जीवन में कौन से ऐसे प्रसंग हैं जिनसे उनके जीवन में परिवर्तन आया, और अगर उन्होंने इस मार्ग पर जब चले तो क्या उनको समस्याएं आई, तो वो सब जानना चाहते हैं। तो इसलिए आज हम आपसे जब ये चर्चा करेंगे तो आपके जीवन के वो पहलू जानना चाहेंगे जो साधारणतया लोगों को नहीं पता है। ठीक बात है, अच्छी। मेरी आवाज जी साफ है? जी बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों के इस एक अकिंचन सामान्य व्यक्ति को इस चर्चा के योग्य माना, और इसको मानने का केवल कारण राष्ट्र है, धर्म के प्रति अपनी सजगता है, और उससे कई बार खिन्नता भी होती है। मुझे ना मुझे टोकना नहीं चाहिए, धृष्टता होगी, लेकिन पहले मैं आपको ये बता दूं कि आप अभी अकिंचन नहीं हैं, आप एक नहीं, रॉक स्टार हैं। रॉक स्टार हैं अभी आप। स्थिति यह है कि इस राष्ट्र की जिम्मेदारी को करने वाले, काम करने वाले लोग बहुत कम हैं, या लोगों की दृष्टि में जैसे होने चाहिए वैसे नहीं है। इसका परिणाम है कि वो एक रेगिस्तान में एक सामान्य जो अरंड का पेड़ है वो भी वट वृक्ष नजर आ रहा है, इससे अधिक कुछ नहीं है। बहुत योग्य लोग, बहुत अच्छे वक्ता, बहुत विद्वान लोग मैंने सुने हैं, और मुझे आश्चर्य होता है कि उतनी बड़ी परंपरा के लोग ढीले कैसे पड़ गए। ये प्रश्न कि मेरा शायरी को हो के माध्यम से मैं काम करने वाला और राष्ट्रवाद की तरफ कैसे आया, ये प्रश्न मन में आने का मतलब है कि लोग ये सोचते हैं कि शायरी के लोगों को कम से कम प्रखर राष्ट्रवादी नहीं होना चाहिए। और ये सवाल मैं उर्दू वालों से खूब करता हूं, हमेशा से करता रहा हूं। इकबाल जैसा दुष्ट जो पाकिस्तान के हाल में 20वीं सदी में, यानी पहले तो सबसे मूल तो वो शाह वली उल्ला और उनके बाप और उसके दादे, वो सब एक से एक दुष्ट लोग भरे पड़े हैं, मगर 20वीं सदी में जिन्होंने ये सारा चिंतन फैलाया, और आश्चर्य की बात, आश्चर्य नहीं होना चाहिए, इस्लाम क्या चीज है इसे समझना चाहिए कि 2 पीढ़ी पहले इकबाल के दादा हिंदू थे, उसके बावजूद कितना धूर्त हो गया ये व्यक्ति कि इसने भारत के विभाजन का और इस्लाम के फैलाव का सारा काम किया। वो व्यक्ति शायरी में बड़ा माना जाता है। टॉप के दो नाम तो हैं, मीरो गालिब, हजरत मुसफ़ी उसके बाद आते हैं, इकबाल को रखा जाता है इसके बराबर। तो गजल में, साहित्य में, उर्दू लिटरेचर में तीसरे नंबर पर इकबाल को लिया जाता है और कोई सवाल नहीं करता। इकबाल चेयर कलकत्ता यूनिवर्सिटी में है, मुजफ्फर हनफी साहब उसको प्रेजाइड करते रहे, एक लंबे अरसे तक भोपाल में इकबाल पर सेमिनार होते, मुझे बुलाने की बात थी, मुझे फोन आया किसी का कई साल पहले, तो मैंने उनको बताया मैं ईमानदारी से बात करूंगा, अगर आप सोच रहे हो कि मैं पूंछ हिलाऊंगा और कान लटका के कू कू करूंगा तो मैं नहीं करने वाला, जो इकबाल था वैसा बोलूंगा। तो उन्होंने हाथ खड़े कर दिए, बोले नहीं साहब आप मत आओ, काम का बलवा करा दोगे, क्योंकि ये कब की बात है? ये मध्य प्रदेश में उस समय भाजपा की सरकार आई थी, तो किसी ने बड़े उत्साह से मेरा नाम दे दिया होगा, तो ऐसा हुआ। और भी ऐसे उदाहरण देता हूं, कोई मुनव्वराना से नहीं कहता, नवाज देवबंदी मुशायरों में, अब तो मुशायरे ठंडे पड़ चुके हैं, मुशायरों में सामान्य रूप से
जो ऑफिसर्स कराते हैं, गवर्नमेंट कराती है, उसमें सामान्य नाम था, उसका शेर है, हमें तू गजनवी का हौसला दे, हमें तू गजनवी का हौसला दे, मुसलसल हार से तंग आ गए हैं। भारत में रहने वाला एक मुसलमान कह रहा है कि हमें महमूद गजनवी जैसा साहस दे, हम लगातार हार से तंग आ गए। मैंने उनसे पूछा कि नवाज हिंदुस्तान में कौन तंग आ रहा है, कौन किसकी मुसलसल हार हो रही है। बोले नहीं, मैं तुफैल भाई मैंने दूसरी तरह से कहा। मैंने कहा दूसरी तरह कौन सी है? हर शख्स खजूरों की जड़ें काट रहा है, हर शख्स खजूरों की जड़ें काट रहा है, पीपल के तले कोई दिखाई नहीं देता। ये क्या है? इन शायरों से कोई नहीं पूछता। बोली बेटा, बोली अम्मा मोहम्मद अली की जान बेटा खिलाफत पे दे दो। ये हसरत मोहानी का शेर है, जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे जिन्हें पेंशन मिली। अच्छा, खिलाफत मूवमेंट के लिए काम करने वाला आदमी उर्दू में है। अगली ईद पाकिस्तान में, ये कैफी आजमी की नज्म है, जो अपने आप को लेफ्टिस्ट कहता है, ये पक्का मुल्ला था, घोर मुल्ला। मजाज लखनवी, जिसकी इतनी तारीफ, पाकिस्तान का तराना इसका लिखा हुआ है। ये जो लेफ्टिस्ट थे सारे के सारे, वो तो रातों रात जितने नमक हराम थे कप्तान बन गए, शैतान एक रात में इंसान बनने वाला मामला है। ये जितने लेफ्टिस्ट हैं सारे के सारे सब धूर्त। और उनसे कोई नहीं पूछता कि यार, और उनका गजल में, उर्दू में, उनका लीगी होना, जमात इस्लाम का आदमी होना, भारत के विभाजन की बात करना, किसी को नहीं सूझता, वो सहज है। और कोई व्यक्ति राष्ट्रवादी बात करे तो ये चिंता का या आश्चर्य का विषय है। और ये बात है, इवन मेरे उस्ताद कृष्ण बिहारी नूर साहब और हिंदू शायद जितने भी गजल में हैं या और लोग हैं, उन लोगों से ये अपेक्षा की जाती है कि ऐसी किसी भी बेहूदगी को जो दायस पे होती है वो टाल जाए। हम हमेशा जब भी मंच पे होते थे और ऐसी बदतमीजी कोई करता था तो हमेशा पूछते थे। बेनिया बाग का मुशायरा बनारस पे, कोई मेरे ख्याल से 15,000 लोग राहत इंदौरी शेर पढ़ रहे हैं। राहत को किसी ने अगर पढ़ते सुना होगा तो वो एक काला बिल्कुल भुच उल्टा तवा जैसा, उसके लिए एक लतीफा भी, बल्कि लतीफा सुनाई दें, ये अच्छा मजा देगा। मोधा का मुशायरा, गर्मियों के दिन थे, लाइट नहीं आ रही थी, एक पीडब्ल्यूडी के गेस्ट हाउस में ठहराया गया था, तो हम सब लोग चारपाइयों पर बैठे थे, झुटपुट आ था शाम का, तो एक सामने पंप चल रहा था, राहत उस पे खेत पे नहाने गए थे। एक साहब लालटेन लेके आधा वर्ष करते हुए आए और सब इससे मिल उससे मिल करते हुए हमारी चारपाई पे आए। हम कई दो तीन लोग बैठे थे, साहब कैसे हैं, फलाने फलाने कैसे हैं जी, अच्छे हैं सब, कौन कौन आ गया, उन्होंने बताया वो आ गया। तो बोले राहत आ गए? बोले हाँ आ गए। कहाँ हैं? तो किसी ने इशारा करा, वहां नहा रहे हैं, तो इन्होंने लालटेन दो तीन बार ऐसे घुमाई, बोले दिखाई नहीं पड़ रहे। तो एक साहब बोले अभी साबुन लगाएंगे तो दिखाई देंगे। वो ऐसे थे कि अपने ही नेगेटिव नजर आते थे। और मगर मेस्मराइज करता था वो आदमी, स्टेज पे एक चमक होती थी उसकी मौजूदगी, बहुत अच्छा पढ़ते थे, शायर भी अच्छा था, पढ़ता भी अच्छा था, मगर तलवारबाजी को, इस्लामी तलवारबाजी को उसने अपने लिए, अपने को चलाने के लिए इस्तेमाल किया। उससे किसी ने नहीं पूछा कभी, मगर मुझसे हिंदुओं का ये सवाल कि आप गजल से इधर कैसे आए, इसका मतलब गजल में ये माना जाता है, उर्दू में माना जाता है कि किसी हिंदू को भी कानपूस लपेट के बिल्कुल चुपचाप कोने में पिटी कुतिया की तरह पड़े रहना चाहिए। लोग हम हमेशा बात करते थे, बेनिया बाग का मुशायरा, बाबरी मस्जिद का आंदोलन चल रहा है, बाबरी ढांचा ढा नहीं है, और राहत के हमारे सर की फटी टोपियों पे तंज न कर, हमारे ताज अजायब घरों में रखे हैं, ऐसे शेर पढ़े जा रहे हैं। जब वो पढ़ के आए, मात तालियां पिट रही हैं, छतें फटी जा रही हैं, आके जब बैठे तो मैंने उनसे पूछा कि राहत ये बाहर इतने लोगों ने ताली पीटी, 15,000-20,000 लोगों ने, इनकी तालियों की गूंज के जवाब में 400,000 तालियां बजेंगी, आसपास की 5-7 सीटें गईं, कुछ सोचा आपने? आप तो खरे अपने पैसे करके चल दिए, इसका नतीजा क्या होगा? और हुआ,
अगले चुनाव में वो पूरी बेल्ट सारी की सारी एक सिरे से भाजपा ले गई। हमारा दोस्त रामपुर का है, शायर बचपन का दोस्त है, बात हो रही थी वहीं डाइस पे ही, यानी मुशायरा चल रहा है, कोई शायर और पढ़ रहा है और हम पीछे बात कर रहे हैं बैठे हुए, और इतना इम्पोर्टेंट इशू था कि मैंने उनसे पूछा, तो वो बोला कि यार ये बड़ी पुरानी बहस हो गई। मैं कहा पुरानी बहस हो गई का क्या मतलब? आप इसकी जिम्मेदारी अपने सर ही रखेंगे, 1947 में विभाजन हुआ, लाखों लोग मारे गए, करोड़ों विस्थापित हो गए, बर्बाद हो गए, काफी कुछ बेईमानी की होगी कांग्रेस के लोगों ने, फिर भी पूरी तरह से नहीं पलट सकते। दो सीटें हासिल हुई थी जनसंघ को 1952 के इलेक्शन में, जो जलते हुए रिश्ते हुए घाव थे, आत्मा राष्ट्र की सिसक रही थी, फिर भी उसने जनसंघ को दो सीट दी थी, और अब इतनी सीटें, तो हुज रिस्पॉन्सिबल, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? लगातार बदतमीजियां, लगातार बेहूदगी, लगातार टीज करना, तंग करना, ये कहां तक चलेगा? तो उनका कहना था कि तुफल भाई अब ये बहुत पुरानी, अबे पुरानी बहस कहां से हो गई? आपको समझना चाहिए गजल के माहौल में कोई राष्ट्रवादी बात कैसे नहीं कर सकता। आप हमें हमारे कद को आंकेंगे तो हमारी उम्र के जो लोग काम कर रहे हैं, हमने कैसा उनकी तुलना में लिखा, हम किस स्तर की शायरी कर रहे हैं, इससे आगे जाएंगे या इससे आगे जाएंगे कि हमारा मानसिक खतरा हो गया कि नहीं? गजल में अगर किसी शायर का, हिंदू शायर का मानसिक खतरा नहीं हो, तब तक उसे साले को समझा ही नहीं जाएगा। हमारे उस्ताद भी टोपी लगा के, खोपड़ी पे को कपड़ा रख के, नाते पाक के चार शेर, अजीक तेजी नाते पाक के चार शेर, क्या मतलब? हमारे ही मुशायरा बरेली में हो रहा है, शारिक कैफी हमारा दोस्त, उसमें सब लोग शेयरिंग है, उसने कहा कि नात पढ़ी जाएगी बरेली की तेजी में। मैंने कहा भाई नात पढ़ी जाएगी और भजन से इसका अंत होगा, ये सब चूतिया पर हमारे यहाँ नहीं होता, गजल का मुशायरा इसमें कोई नौटंकी नहीं होगी। स्ट्रिक्ट सीधी बात की, ये सब क्यों करें आप? अपने दीन को हम पर क्यों लाद रहे हैं और हमसे एक्सपेक्ट क्यों कर रहे हैं कि हम आपके दीन की बातों को बड़े वाहवाह करेंगे? पाकिस्तान हम मुशायरे में गए तो एक साहब ने हमसे, दो वाकयात हैं वहां के, एक तो मुशायरा शुरू होने वाला था, इस किसी कॉलेज में था, तो हमने किसी से पूछा गया डाइस पे जाके बैठेंगे 3 घंटे बैठना, पेशाब खुआएं, तो उसने कहा सामने फील्ड में चले जाइए। तो हम आगे बढ़ गए, जरा सा अंधेरे में दाखिल हुए तो एक साहब पीछे से बोले किबला उधर, नहीं हजरत उधर किबला है, यानी मक्का है। तो हमने कहा कि भाई इतनी जोर से नहीं करूंगा, साहब वहां तो बलवा हो रहे हो, तैयार हो गया ठीक है। मजेदार, खैर स्टेज पे गए तो हमने किसी साथी से पूछा कि आज क्या पढ़ें, तो एक साहब बोले आज कलमा पढ़ लो। तो हमने कहा चूतियां हैं क्या, हम कलमा पढ़ लो ऐसे ही डायस पे, क्योंकि आप छेड़ रहे हैं, अननेसेसरी जख्म दे रहे हैं, और दे रहे हैं तो साहब हम भी पलट के मारेंगे। आप हमसे कलाम की उम्मीद कीजिए कि हम अच्छा काम करें, आप हमसे दीनियात की उम्मीद मत कीजिए। हमसे उस दायित्व से उतरे तो एक साहब ने कहा मैं आपसे दुआ करूंगा कि अगले वर्ष जब आप पाकिस्तान मुशायरे में आए तो आप दीन की वो जने क्या छागल पी लें, क्या पी लें? मैंने कहा सिंगल मॉल्ट पीते हैं हम, स्कॉटलैंड वाली, हम यार आपकी फटीचर चीजें नहीं पीते। तिल मिला गए, क्योंकि पूरा माहौल ऐसा है कि उसमें अपने आप को एस्टेब्लिश करने के लिए झिझोड़ना पड़ता है। और एक मजेदार चीज है, हम लोगों में, हिंदुओं में, आप तो जानते ही हैं, कन्यादान होता है, यानी हम विवाह करते हैं तो हमें कन्यादान मिलता है, हमारे सास ससुर हमें कन्यादान करते हैं, तो हम पर ये फर्ज होता है, हमारा दायित्व तो है कि हम भी कन्यादान करें उससे उरण होने के लिए। तो मैं शायरी करता लगातार, तो सिर्फ शायरी करना पर्याप्त नहीं, अपने जैसे शायर छोड़ो तो 10-20 ऐसे शायर जो नई पीढ़ी के, अब जो 40-45 की पीढ़ी है उसके टॉप के जो 10 लोग हैं उसमें 4 मेरे शागिर्द हैं, पूरी तैयारी के साथ काम किया और अच्छे। अब लोग कहते भी हैं कि हिंदू शायर इतने सारे कहां से आ गए, हमने हिंदू मुसलमान करके नहीं किया, जो जिम्मेदारी, जो प्यार विकास शर्मा राज के लिए हमारी है, वही इरशाद खान सिकंदर के लिए भी, वो भी उतना ही बेटा है।
और न केवल मेरी तरफ से, उसकी तरफ से भी मैं उतना ही उसके वो प्यार देगा। अपनी जिम्मेदारी पूरी निभाई, पूरा एक पीढ़ी तैयार हो गई। वहां भी ये बात, अब उर्दू का जो बड़ा हिंदी में उर्दू की शायरी को, गजल की शायरी को लाने का काम लव्स मैगजीन ने, हमारी मैगजीन ने किया। उसके बाद ये बागडोर संभाली रेख्ता ने, दिल्ली में रेख्ता काम करता संजीव सवर्राफ हमारे मालिक, उसके मालिक हमारे मिलने वाले हैं, दोस्त कहना तो ठीक नहीं, मिलने वाले हैं और आवाज से एक दूसरे को पहचान लेंगे। मगर रेख्ता की जो साइट है उस पर मेरी शायद 4 गजलें हैं बस, दुनिया भर के अंड बंड बिल्कुल फटीचर शायर उनकी 50-50 गजलें होंगी, मेरी 4 गजलें। वजह कि वहां जो टीम काम कर रही है, उसके जो संपादक और लोग हैं, उनकी नजर में ये बात है कि ये आदमी दीनियात के मामले में कड़क है, तो वो और कुछ नहीं कर सकते क्योंकि मालिक तो हिंदू है, वो कच्ची पक्की बात कर नहीं सकते। हमारी मैगजीन का हर इशू उसकी उनकी अपनी साइट पर लफ्ज पे पड़ा हुआ है, तो वो ये करेंगे कि गजलें नहीं डालेंगे, कोई मसला नहीं। और अपनी उस जिम्मेदारी में अभी भी कोई कमी नहीं। 2.5 साल पहले 4 किताबें राजपाल इंसान से मेरी आई हैं, जिसमें 3 यानी सरहद के आर पार की शायरी, 1 शायर पाकिस्तान का, 1 यहाँ का, और 7 पाकिस्तानी शायर, नई पीढ़ी को के शायरों को एकदम से हिंदुस्तान में परिचित कराने का काम उस किताबों ने किया। मगर मेरा हमेशा कहना है, और जो उसमें एक शायर है रफी रजा पाकिस्तान का, उसका शेर है ये, वो शायद कनाडा में है, अमेरिका में है। खदीजा पूरी गवाही थी जिस नबूवत की, क्योंकि खदीजा थी जिसने कहा था कि तुम पैगंबर हो, ये फलाना फरिश्ता है। खदीजा पूरी गवाही थी जिस नबूवत की, उसी ने आधी गवाही का हक दिया उसको, उस खदीजा को, औरत को, कि 2 औरतों की गवाही एक के बराबर होगी। ऐसा शेर कहने वाला, उसको पूरा पाकिस्तान इग्नोर करता है, मगर हमने उसमें उसकी 100 गजलें ली। नतीजा रफी रजा एकदम से शायरी की दुनिया में आ गए। पाकिस्तान तो हमारे 4-6 डिस्ट्रिक्ट्स के बराबर है, तो यहां की कोई किताब का मतलब है? अगर 2 लाख लोगों ने भी पढ़ ली तो पाकिस्तान में तो जिंदगी में 2 लाख लोग नहीं पढ़ सकते, कुछ भी नहीं उसका। तो वो शायर अच्छा है, बड़ा है, मगर इसलिए नहीं आएगा कि ऐसा शेर कहता है। तलवार तो हटा मुझे कुछ सोचने तो दे, रफी रजा, तलवार तो हटा मुझे कुछ सोचने तो दे, ईमान तुझ पे लाऊं कि जजिया अदा करूं। इस्लाम के बिल्कुल परख चौड़ाता है, वो कह रहा है कि मतलब जजिया और ईमान की बातें तलवार रख के आज भी हो रही है पाकिस्तान में, उसके खिलाफ है। इन लोगों को इग्नोर किया जाता है, ऐसे लोग सामने आने चाहिए। शायरी में हमारा कद हमारे काम से नापा जाना चाहिए, हमारे मुल्लापन से नहीं नापा जाना। आप कुछ कहना चाह रहे हैं जी? मैं आपसे एक चीज जो जानना चाह रहा हूं कि ये जो आपका मानस था राष्ट्रवाद की ओर, जैसे मैं अपने उससे तुलना करूं कि मुझे बहुत देर बाद ये समझ में आई कि इस तरह का कुछ हमें देश के लिए, धर्म के लिए अपने जीवन का कुछ हिस्सा देना चाहिए, कुछ काम करना चाहिए, ये चेतना आपको कब से थी? देखिए, मैं आज तो सोशल मीडिया है, चीजें सब सामने हैं। आज से मैं 60 बरस का हूं, तो आज से 55 साल पहले, 50 साल पहले कोई भी जरिया नहीं था जानने का। कारण ये कि अखबार ऐसी कोई बात राष्ट्र के प्रति सजगता की छापता नहीं, कांग्रेस तुरंत विज्ञापन बंद कर देती, टीवी सिर्फ सरकारी चैनल था, वहां कोई गुंजाइश नहीं थी। मेरी शायरी की जो शुरुआत हुई है वो मेरे ख्याल से 75 में, मैं 15-1 साल का रहूँगा, 14-15 साल का, तो नैनीताल में पढ़ता था, वहाँ लाइब्रेरी में एक अखबार आता था दशानन नाम से, उसमें ये साप्ताहिक अखबार था, उस पर एक गज़ल छपती थी, वहाँ से पढ़ना शुरू हुआ। पहले भी कुछ और शुद्धबुद्ध थी, मगर यहाँ से ढंग से आया। अच्छा, और मैं संघ का स्वयंसेवक तो 5 वर्ष की आयु से हूँ, तो राष्ट्रवादी चिंतन मेरे अंदर था ही, वही एकमात्र माध्यम था उस समय। अगर आप शाखा जाते हैं तो थोड़ा 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 आपके अंदर वो एक आपके अंदर उतरता जाएगा। तो राष्ट्र की सजगता सदैव से थी, हम तब भी लोगों से बात करते थे, उतनी कड़वाहट प्रकट में नहीं थी तब।
मुल्ला पार्टी बहुत ज्यादा ऊटपटांग काम नहीं करती थी। मैं बात कर रहा हूं समझिए 75 की, तो 75 मतलब विभाजन हुए भी 30-32-31 साल हुए थे, तो उतने समय में अपने आप को समेट के रखते थे लोग। ये तो बाद में ये सारी चीजें बढ़ती धीरे 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 धीरे, क्योंकि धकेलते जाइए आप, 1 इंच पीछे हटे तो फिर उसके बाद 2 इंच हटाया, फिर 4 इंच हटाया, फिर 1 मीटर हटाया, धीरे 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 दीवार से पीठ लगा दी। सदैव बात करते थे, कोई नई चीज ऐसी नहीं है। और जैसे ये नात है और ये सब चीजें सब कही हमने, लोगों ने हमसे कहा तुमने कर दी, तो लोगों ने कहा आप में तो साहब बड़ी ईमान। मैंने कहा ईमान मान से का मतलब, अबे हम बड़ा ही हैं, आपने हमसे कहा कि 6 फुट की कुर्सी बना दीजिए, हम बना देंगे। पहले पोस्ट ऑफिस में होती थी 6 फुट की कुर्सी, जिस पे चढ़ने से ज्यादा मुश्किल उतरना होता था। वो अब उस कुर्सी को बनाने का मतलब ही नहीं कि हम खुद उस कुर्सी में बैठते हैं, आप हमसे कहिए 10 फुट का पलंग बना दिए, बना देंगे। अभी आप जानेंगे उसका क्या करना है, तो बड़ा ही है हम करेंगे काम। इसका ये मतलब नहीं है उन सारी चीजों का हम इस्तेमाल करते हैं, कि हमें काम आता है वो कर सकते हैं। तो हमेशा से ये बात थी, राष्ट्र के प्रति सजगता हमेशा से थी। काशीपुर के मैं जहां का हूं वहां के सारे शहर जानते हैं, कोई नई चीज नहीं है। हमेशा से बोलते रहे कि ये सारे काम गलत हैं, ठीक नहीं है। इतनी चौकन्नी दृष्टि नहीं रही होगी इस्लाम के प्रति, बहुत अध्ययन बाद में हुआ, मगर समझते सदैव से थे कि ये मामला गड़बड़ जा रहा है। अच्छा, तो अगर आप इतनी छोटी आयु से स्वयं सेवक थे, तो मेरा उतना, मेरी आयु नहीं है और मेरा अनुभव भी उतना नहीं है, लेकिन मैं देख रहा हूं कि पहले जो संघ में पैनापन था वो आज नहीं दिखाई देता है। आपने इसका अनुभव किया होगा, तो कैसे आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, संघ की जो व्यवस्था थी, मैं कुछ चीजें मूलभूत रूप से जो संघ में थी उनमें काफी बदलाव आया है। एक बात बिल्कुल स्पष्ट समझ लीजिए कि संघ की जो प्रतिज्ञा है वो हिंदू संगठन की है। पहले सरसंघ चालक पूजनी डॉक्टर जी, एक चीज होती है संघ में, लाठी में प्रहार निकाला जाता है, लाठी यूं पकड़ के मारी जाती है, वो इतने जोर से लगता है कि अगर सामने वाला सर पे पड़ जाए तो 2 इंच खोपड़ी के अंदर घुस जाएगी लाठी। प्रहार होती है ऐसी, विकट टेक्निक है। नागपुर में इस्लामी जुलूस निकलते थे तो बहुत बदतमीजियां होती थी, लोग दुकान बंद करके और गलियों के बाहर फाटक लगा रखे थे, अंदर खड़े हो जाते थे कि ये ससुरे तंग नहीं करें। डॉक्टर जी ने एक जगह तय की, गलियों में लोग तैनात किए और पूरे जुलूस पे लठ बजवाया, ऐसी सुताई हुई कि उसके बाद नागपुर में आज तक कभी पकड़वा करने की हिम्मत नहीं रही। हमेशा के लिए बिल्कुल प्रेसिडेंट सेट कर दिया। उस परंपरा से संघ चलाए, ध्यान कर लीजिएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। और उसके बाद हुआ क्या, जो तीसरे सरसंग चालक थे बड़ा साहब देवरस, उनके काल में विभिन्न क्षेत्रों में संघ का प्रवेश हुआ। विश्वंदु परिषद तो दूसरे सत्संग चालक ही बना गए थे, बाकी सारे क्षेत्रों में विद्यार्थी परिषद में काम बढ़ाओ, वनवासी कल्याण आश्रम में काम करो, फलानी जगह जाओ, गांव में घुसो, शिशु मंदिर चलाओ, ये सारे काम उन्होंने बढ़ाए। उसके बाद के और हर सत्संग चालक ने अपनी मर्जी से काम किया, मगर अब जो स्थिति है कि सोशियो पॉलिटिकल मूड बन गया है चाहे न चाहे, और उसका कारण यह है कि संघ के पास यूथ नहीं है। अब जो नई पीढ़ी है वो संघ के पास नहीं है। कारण उसका है कि संघ की जो शाखा पद्धति है वो पद्धति कहने के लिए तो चलता है, मगर उस पे शाखाओं पर लोग नई पीढ़ी के नहीं आते। इतनी सारी चीजें हमारे काल में, शाम को क्या करें, तो शाखा एक अच्छी चीज थी, एक्सरसाइज है, घूमना फिरना है, भागा दौड़ी, कबड्डी खेलना है। आज के छात्र से कॉलेज में पढ़ने, स्कूल में पढ़ने वाले से कहिए कबड्डी खेलनी है तो वो आपका मुंह ऐसे देखेगा क्या कह रहे हैं। इंटरनेट उठना है उसे, मोबाइल पे चैटिंग करनी है, अपने अपने दुनिया भर के उसके फील्ड, शिक्षा के और सारी पिक्चर, ये वो सब। हम तो तब उस पीढ़ी के हैं जब बड़े हो रहे थे, चित्रहार आता था तो उसमें अगर कहीं कोई गड़बड़ हो जाए तो एक वो कार्टून के कार का पहिया गिर गया है और वो पहिया लेके खड़ा है, इस तरह की चीजें थी। धीरे धीरे विकसित होते होते अब इतने सारे फील्ड आ गए हैं कि शाखा में जाकर नई पीढ़ी की दिलचस्पी नहीं बची।
तो संघ के पास लोग कहां से आए, अट्रैक्शन कहां से आए, वो बीजेपी के पास है, उसके पास जाते हैं। तो इसलिए अब ये हाल तालमेल ऐसा है एक दूसरे के साथ में कि उनकी नई पीढ़ी से संघ के अंदर भर्ती हो रही है। और मतलब ये बातें मुझे कहनी नहीं चाहिए कि हो सकता पिटाई हो जाए मेरी इस चक्कर में, कूट दे कोई मुझे अधिकारी पकड़ के क्या बोल रहे थे, मगर सच यही है कि एक दूसरे का तालमेल है। बीजेपी के अफसर, बीजेपी के लोग समझते हैं कि वो शाखा जाएंगे और ओटीसी कर लेंगे तो टिकट पक्का हो जाएगा, इसलिए शाखा जाते हैं, शाखा जाने का और कोई मतलब नहीं है। अब वो पद्धति लगभग आउटडेटेड सी हो गई है, स्थिति यह है कि उसमें दिलचस्पी नहीं है। तो हमारे काल में बहुत सब कुछ था और अब चीजें, अच्छा उसमें फिर छिपाना पड़ता है। ऐसा थोड़ी है कि मोहन राव समझते नहीं, हमसे कम हिंदू तुम्हारे में क्या, उन्हें सरसंग चालक तो भाई अखाड़े के वो तो खलीफा हैं, हम तो बिल्कुल कोने में खड़े हुए लोग हैं। वो बोलते हैं दिल्ली में कि इस्लाम नष्ट हो जाएगा तो धर्म भी नष्ट हो जाएगा, तो ये उनकी समझ इस्लाम के बारे में संघ हमसे कम है क्या, ऐसा नहीं हो सकता। मगर कुछ उनकी अपनी राजनीतिक व्यवस्थाएं हैं, या वो समझते हैं कि ऐसा करने से कुछ हो जाएगा। जैसे एक बड़ी अजीब सी बात है, ये गुरु जी के समय में भी था कि संघ के लोग कहते थे मुसलमान मोहम्मद ही हिंदू हैं, भारत में सब लोग हिंदू हैं, ओरिजिनली हिंदू हैं, ये बात ठीक है, ऐतिहासिक रूप से हिंदू हैं, ये बात भी ठीक है, मगर आज जो हैं वो अपने आप को उन सबको हिंदू कहना, तो कश्मीर समस्या क्या है? कश्मीर में भी अगर मोहम्मद ही हिंदू हैं और उन्होंने रामकृष्ण वाले हिंदू को निकाल के बाहर कर दिया, तो एक हिंदू ने दूसरे हिंदू को निकाला, दिक्कत क्या है? पाकिस्तान बनाने की बात है तो हिंदू ही है दोनों, ये दाएं हाथ की बाएं हाथ से कुछ पंजा लड़ाने की जैसी बात हो गई। तो ये और वो क्या समझते हैं, हमारी समझने का सवाल नहीं है, हम क्या कह रहे हैं, वो क्या समझते हैं? अगर वो अपने आप को हिंदू समझते हैं और जानते हैं वो हिंदू पूर्वजों से, ऐसा नहीं मुसलमानों को नहीं पता, मगर उसमें उनकी कोई ललक है क्या? तो वो नहीं है। केवल जाट और त्यागी दो समाज ऐसे हैं, और राजस्थान के राजपूत जो मुसलमान राजपूत हैं, वो मुसलमान जाट और मुसलमान त्यागी, ये मुस्लिम त्यागी सम्मेलन होते हैं इसके, और हिंदू त्यागी को बुलाते हैं, हिंदू त्यागी भी उनको बुलाते हैं उनके हाथ, मगर बाकी लोगों में नहीं है। तो संघ के कार्य में समय के हिसाब से बदलाव आया है और स्वाभाविक है। जैसे त्रिपुरा में आज बदलाव है राजनीतिक, आज से 20 साल 15 साल 18 साल पहले वहां शिशु मंदिरों का जाल बिछाया गया, कार्यकर्ता स्वयंसेवक पहुंच गए, शाखाएं लगाई काम का, धीरे 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 उन्होंने बदलाव किया। एक दिन बदलाव नहीं आता, लगातार काम किया, तो उस तरह के काम वो कर रहे हैं, होता है, मगर राजनीतिक दबाव अब उन पर ऐसा है कि वो शायद, और इसके चलते कई बार कच्ची पक्की बातें लगती हैं हमको, जो लग रहा है गलत है, मगर वो मूलतः मुझसे 21 हैं, वो सब समझते हैं धर्म, हम नहीं समझा सकते उनको, वो कुछ कुछ शायद चेहरे लगा लिए उन्होंने, उतनी बर्बाद है। जी अच्छा, एक जो मैं आपसे प्रश्न जानना का उत्तर चाहूंगा कि जब हम राष्ट्र का बोल लें या धर्म का बोल लें इस ओर चलते हैं, तो बहुत सारी बाधाएं हैं, बहुत सारे लोग जो हैं वो विरोध करते हैं, तो आपने इस तरह की कोई एक दो घटनाएं बताइए जो आपके साथ हुई। फिर से एक बार के बीच में जरा बल बुझ गया था मेरा, कि लोग ना परिवार में या यारों दोस्तों में विरोध करते हैं कि आप ये क्या कर रहे हो यार, छोड़ो के किस काम में पड़े हो, ऐसा होता है? मैं संघ में सक्रिय था, रोज ऑलमोस्ट रोज 100 किलोमीटर मोटरसाइकिल चलानी, पंतनगर, रुद्रपुर, हल्द्वानी, बासपुर, यहाँ के दौरा मारना ही मारना, और स्वाभाविक था वो, घर के लोग विरोध में। मेरी जो सक्रियता आज है संभव है, उसका कारण यह है कि मेरी पत्नी राजनीतिक पृष्ठभूमि से है। मेरे पत्नी के दादा पंडित मौलीचंद शर्मा जनसंघ के ऑल इंडिया प्रेसिडेंट थे, शुरुआती बिल्कुल 50s के, अटल जी उनके सेक्रेटरी हुआ करते थे उस जमाने के लोग। नतीजे में शक्ति समूह बनाना, उसके महत्व को समझती है। तो मेरे घर में ऐसा कभी नहीं होता, आजकल तो बंद है, मगर ऐसे सामान्य रूप से 10-15-20 लोग रोज के ही मित्र मिलने आएंगे,
और जिस समय आएंगे, दोपहर में आएंगे तो भोजन मेरे साथ ही करेंगे, शाम में आएंगे तो भोजन करेंगे, शाम की चाय पीनी होगी तो हम सब साथ पियेंगे। उसने कभी कोई मलाल नहीं, और उसकी व्यवस्थाएं करके रखी कि सडन अगर चार लोग आ गए तो वो पहले से ही छह लोगों का खाना बनता है, मालूम है कभी भी कुछ हो जाएगा। मेरी माँ उस संस्कार की नहीं थी तो उनकी समझ में नहीं आता था। जैसे 71 में हमारे घर में पहला टीवी आया, काशीपुर का पहला टीवी था, और 25 जनवरी को टीवी लगा, बहुत खासा बड़ा बिल्कुल किले जैसा घर है। उस जमाने में जो एंटीना बनता था वो भी 30-40 फुट का होता था, बल्कि और 60 फुट का, और उसके तार ऐसे लगते थे जैसे एशिया का सबसे बड़ा सेंटर हमारी छत पे है। और 26 जनवरी को ड्राइंग रूम, खासा बड़ा ड्राइंग रूम, हर आदमी की गोद में दो आदमी बैठे हुए थे, इतने सारे देखने वाले कि 26 जनवरी की परेड दिखाएं, और कुछ नहीं आए, सर बस जैसे कुछ आवाज हो रही थी, एक चीज ना दिखाई दे, और कोई 200 लोग छत पे चढ़े हुए कि एंटीना हिलाओ तो सारा सारा तार जितने थे वो सब हिलेंगे, और इधर को दिल्ली है और उधर इधर घुमाओ और उधर, यही सब होता रहा। तो जाहिर है जब इतने सारे लोग आएंगे तो चाय भी जाएगी, नाश्ता भी जाएगा। माँ जो एक सजगता, खुला हाथ, वो करेंगी व्यवस्था, मिसरानी को इसको उसको बोलेंगी, सब होगा, मगर मतलब वो हंसते हुए चेहरे से नहीं, क्योंकि उनके दृष्टि में ये बात नहीं थी। मेरी पत्नी इस मानों में भिन्न है, उसको कभी कोई कठिनाई नहीं होती, वो जानती है। इसे मैं अभी आपसे बात कर रहा हूं, ये इस हद तक है कि अभी 2-3 दिन पहले एक सज्जन ने हमसे कहा कि उनको रिकॉर्ड करवाना है, तो मैंने उसको बताया, तो शी सेड किसी को मना मत कीजिए। चार लोग ऑनलाइन थे कुल, और टोटल उनका जो वो है वो क्या कहते हैं वो सब्सक्रिप्शन, वो 221 लोगों का है। उसके बावजूद उसका कहना था, मुझे मशवरा था, मैं वैसे भी करता, कि इन 221 में से दो लोगों के दिमाग में बात बैठ गई तो काम बन गया, पर्याप्त है। तो वो इस बात को समझती हैं, तो मुझे मेरे परिवार से हमेशा विरोध, सदैव विरोध। और पहली बार मुझे पता लगा कि मेरी सफलता है, राम अयोध्या में बाबरी मस्जिद ढह गई, हम लोग निकले वहां से, बनारस पहुंचे, और बनारस से दो दिन बाद, नहीं अगले दिन शायद लखनऊ, बनारस है नहीं, लखनऊ थे, कर्फ्यू लग गया, तो 5-7 दिन लखनऊ रहे, और उसके बाद में वहां से नॉर्थ ईस्ट चला गया। समझ में आ गया अभी 6 महीने बवाल मचेगा, साधु में मेरे पास 2 कुर्ता धोती, हवाई चप्पल पहनना, और उस हालत में मैं बोमडिला से पासिला बिल्कुल जो 8000 फुट की ऊंचाई है उन जगह पर गया, स्वेटर तक नहीं था, कहीं से एक स्वेटर खरीदा मुझे। फिर मैंने घर फोन किया कुछ दिन बाद, तो मुझे पता लगा कि 6 दिसंबर को मेरे पिता ने मेरी बहन की शादी के बाद सारे घर पर रोशनी कराई। जिस दिन बाबरी मस्जिद ढही तो पहली बार लगा कि मेरे पिता के अंदर हिंदुत्व है पूरा, और हमारे घर का सजाने का मतलब एक आफत है, पूरा किला है, छोटा मोटा नहीं, बहुत बहुत बड़ा एरिया है। सारे घर पर पहली बार शादी, बहन की शादी के बाद पूरे घर पर सजावट हुई, रोशनी की गई। तो संस्कार, वैसे वो कांग्रेसी थे सारे, मेरा परिवार भी इस तरह का कांग्रेसी, की एनडी तिवारी के शुरुआती दिनों में, गोविंद वल्लभ पंत के, केसी पंत के शुरुआती दिनों में फंडिंग की, उन लोगों को एस्टेब्लिश करने में मदद की, उस तरह के कांग्रेसी। और मैं बिल्कुल पहला आदमी था जो बिल्कुल राष्ट्रवादी सोच का कि नहीं ये सब बड़बड़ा है। अब तो बहुत सारे हो गए हैं, तो दुखदाई था, हाथ रो के जाते थे, डांट भी पड़ती थी। पिता हमारे बड़े हदचोट टाइप के बुजुर्ग थे, कूटा पीटी में विश्वास करते थे, मतलब हर समस्या का समाधान कुटाई। आप उस पीढ़ी में नहीं आए होंगे शायद, मगर हमारी पीढ़ी के लोग जानते हैं कि कुछ कर दीजिए, हर समस्या का एक ही समाधान था, धुनाई। आप कहीं, हम इस बात पर मार खाइए कि पान की दुकान के सामने से निकल रहे थे, खानदान की नाक कट जाएगी पान की दुकान पे खड़े। पान की कुछ कर लीजिए, हमारे खानदान की नाक सूंड की तरह थी, हर बात पर कट जाती थी और फिर भी कम नहीं होती थी। कुछ भी कीजिए, कोई मतलब नहीं। ये वो समय था कि बाजार की कोई खाने वाली मिठाई बाजार से आ जाए,
पान बाजार से खा लीजिए, तो इस खानदान के लोग क्या कर रहे हैं, मतलब रेस्टोरेंट का तो कुछ सवाल ही नहीं था हर बात में। तो काफी सारा मतलब अच्छा खासा दुख झेला और घटनाएं भी रही ऐसी कि ये सब क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, मगर धीरे धीरे फिर बदलाव आया और अब तो कई कई लोग हैं। मेरा मेरे से बड़ा भाई, मेरा चचेरा भाई है, वो ओएसडी रहा, नित्यानंद स्वामी जी पहले मुख्यमंत्री थे हमारे उत्तराखंड के, उनका ओएसडी था, फूफा होते थे वो हमारे। तो अच्छा मजेदार बात, वो कांग्रेस ही बेसिकली, वो ओएसडी बन गया बीजेपी के मुख्यमंत्री का। अच्छा, ये कैसे हो गया? उनके इलेक्शन था, उस इलेक्शन के लिए काम तो सब और लोगों ने किया, मगर वो जा जा के मिलता था तो उनकी नजर में बैठा कि ये है असली वाला काम करने वाला। तो वो तो विरोध भी हुआ, धुआंधूं भी हुई, और बल्कि मैं जो साधु रहा वो संगठन के लिए काम के लिए घर छोड़ गया था, पूर्णकालिक बन गया था, चला गया था काम करने। कौन सा समय था ये? मेरे ख्याल से 85 से है, 85-84 से, और एक लंबा कोई 12 साल तक मैं रहा, हरिद्वार रहता था, खूब खूब दौरे किए, खूब भाग दौड़ की। हमारा मूल संगठन हिंदू जागरण मंच, जिसने राम जन्मभूमि का आंदोलन शुरू किया, विश्व हिंदू परिषद को तो बाद में आंदोलन शिफ्ट किया गया है, मूल आंदोलन हिंदू जागरण मंच ने शुरू किया था। तो भाग दौड़ी करते थे और उस स्थिति में भी मुशायरे भी पढ़ते थे, यानी गेरुआ पहनकर और बिल्कुल मतलब धुआंधार मुशायरा के। हमारा मुशायरे पढ़ने की सफलता का, जैसे राहत इंदौरी एक जमाना था, अंजुम रहवर, इनको पढ़ने के बाद किसी शायर को बुलाना उसकी मौत थी, कि वो इतनी पीक पर ले जाता था कि अब जो आएगा वो ढेर होगा। तो ये क्या नाम उसका, अनवर जलालपुरी का ये आजमाया हुआ था कि राहत के बाद उसने मुझे बुलाना, मैं उनसे जूनियर था, मुझे बुलाना क्योंकि ये निकाल जाएगा, ये फजा संभाल लेगा, ढेर नहीं होने देगा। तो इतनी कामयाबी हमेशा हासिल होती थी। एक तो गेटअप जोर, वो भगवा पहन के कोई गजल पढ़े, वो भी ऐसी गजल पढ़े, तो वो काम काम की चीज होती थी। तो ये था, मगर कड़वाहटें गजल में मुशायरे में भरी पड़ी हैं। मैंने राहत को पाया कि राहत कड़वा नहीं था अंदर से, वो उसके लिए एक टेक्निक थी। मगर और जो मुलायम तबीयत है, जैसे ये वसीम बरेलवी, ये घोर मुल्ला किस्म के लोग हैं, बड़ी मीठे मिलेंगे ही बात करेंगे, अंदर से बिल्कुल मुल्ला, घोर मुल्ला। अच्छा, एक ये बताइए कि जब आप ये बातें करते हैं तो आपको ये नहीं लगता कि आप किसी की हिट लिस्ट में होंगे और कभी कोई करेगा कांड? इस पर मुझे मजा आता है बात करने में। देखिए, क्या शेर है, मक्तल जहां लोग मारे जाते हैं, गर्दनें काटी जाती हैं, राजशाही में बादशाहों के जमाने में उसे मक्तल कहते हैं, जिस धज से कोई मक्तल में गया वो शान सलामत रहती है, जिस धज से कोई मक्तल में गया वो शान सलामत रहती है, ये जान तो आनी जानी है, इस जान की कोई बात नहीं। मैं 60 वर्ष का हूं, कल मर जाऊंगा, हो सकता है कोई गोली मार दे, चाकू मार दे, अधिकतम क्या होगा, मैं अपने बच्चे के लिए जो करना चाहता हूं वो नहीं कर सकूंगा, या मैं समझता हूं कि इतना कर सकता था वो नहीं कर पाऊंगा, यही तो होगा। अगर मैं आज नहीं मरा तो कोई 1500 साल तो जिंदा रहूंगा नहीं। तो गौरव के लिए शत्रु के हाथ से मरना तो परम सम्मान का विषय है, इसमें डरने की क्या बात है। और ये भी हो सकता है, ये भी सच है, मैं उसकी इज्जत पर था, बच गया वो भी बाल बाल आपके, अगर मारने आएगा तो 2 फुट से मारेगा ना, तो मैं क्या कर रहा हूं, कीर्तन कर रहा हूं बैठा हुआ, मैं भी कुछ करूंगा, इसमें क्या समस्या है। देखिए, ताल तो ठोकनी पड़ेगी, इसका कोई विकल्प नहीं है, पौरुष का कोई विकल्प नहीं है। हम
या हुआ क्या है, हम जिस विषय पर आज बात करने के लिए बैठे हैं उससे भिन्नता आ रही है, मगर ये उपयुक्त है इसलिए बात कर रहा हूं। आज बंगाल में बड़ा कठोर, और लोग कर क्या रहे हैं, लोग धड़ाधड़ वीडियो डाल रहे हैं कि वहां ये हुआ, वहां ये हुआ, वहां ये हुआ। वीरता और कायरता दोनों छूत के रोग हैं। आप कायरता फैलाने का उपकरण बने हैं। वो वीडियो जिन्होंने बनाया है वो इस इंटेंशन से बनाया। आपको ध्यान होगा आज से कोई 5-6 साल पहले बहुत सारे वीडियो आइसिस के, दाइश के, सीरिया के, इराक के आते थे कि वो गर्दनें काट रहे हैं, लोगों को जलाकर मार रहे हैं, कटर से मार रहे हैं। वो बनाए किसने थे, उनको मारते समय कौन होता था, वो खुद करते थे ये काम। क्यों करते थे, कि लोगों के अंदर डर बैठाया जा सके। एक बार डर बैठ जाएगा, कत्ल ऐसे तो 50 किए, 20 किए, 30 किए, 100 किए, मगर उसके परिणाम में हजारों लोगों में, लाखों लोगों में आतंक फैल गया। फिर 4 आदमी वहां आकर खड़े होंगे उनके, तो पूरा गांव का गांव, कुनबा का कुनबा, कबीला कबीला पलायन कर जाएगा या सर झुका देगा। इंटेंशन उनकी है, और इसी इंटेंशन का पालन हम कर रहे हैं, उनका हम टूल बन रहे हैं कि इन वीडियोस को फैला रहे हैं, और पता नहीं किस इंटेंशन से फैला रहे हैं, क्या मिलेगा। एक बात। दूसरी बात यह कि ये जो 100-200-500 लोग हैं, मैं देख रहा हूं वो बम फेंक रहे हैं, ठीक, चाकुओं से मार रहे हैं, कोई इनके पास चेन गन्स नहीं है, कोई राइफलें नहीं है, ऑटोमेटिक वेपन नहीं है, घर के दाव, घर की छुरियां ये हैं, आपके पास नहीं है। बंगाली तो मूलतः मांसाहारी जाति है, हर आदमी के पास मछली छीलने की, बकरे काटने के, मुर्गे काटने के, सबके घरों में, मुसलमानों, हिंदू, सबके पास है। आप आज बचकर भाग कर निकल जाएंगे, अपनी पत्नी को छोड़ के निकल लेंगे, बहन बेटी के साथ अपमान बर्दाश्त कर लेंगे, इसके बाद क्या होगा, जीवन चला जाएगा तो क्या कठिनाई है। गौरवपूर्ण मृत्यु आज नहीं होगी तो क्या 1500 साल 1200 साल जिएंगे। जूझना तो बनता ही है, कोई विकल्प नहीं है, डरने से बात नहीं बनती। और ये मैं हम सदैव कहता हूं कि आप वीर हैं तो स्वाभाविक है वीरता करेंगे, और नहीं है तो दिखावा कीजिए। एक ही प्रभाव पड़ता है, एक ही परिणाम आता है, करके तो देखिए। 100 लोग मैंने स्वयं देखा है काशीपुर में कि 100 लोग नारेबाजी करते हुए चले आ रहे हैं, 2 लड़के कूदे तलवार लेकर, देख तेरी, तो एक सेकंड में सब भगदड़ मच जाती है। प्रयास तो कीजिए, आप तो उनको देखकर एकदम से घबरा कर भाग रहे हैं, ये ठीक नहीं है। भाजपा अपनी करनी करे, करनी चाहिए, निश्चित करना चाहिए, और सरल नहीं है, कम से कम 2 साल के लिए 3 साल के लिए वहां पर गवर्नर का शासन, राष्ट्रपति शासन करना पड़ेगा, इसको दंडित करना पड़ेगा। इन्होंने मोहल्लों मोहल्लों में गुंडा क्लब बना रखे हैं, वहां सब ये सारी धूर्तताएं हैं, इनको पूरी तरह से नष्ट करना पड़ेगा, इसके लिए समय चाहिए। प्रशासन को पूछना पड़ेगा, उसमें वामपंथी पहले थे, वही सारे CPM में के लोग तृणमूल में आ गए, इन सबको साफ करना पड़ेगा। ऐसा हाल बिहार में भी था, ऐसा नहीं कि नहीं था, यूपी में भी था, शेषन आए, उन्होंने सारा बदलाव किया। एक बार आपको जोरदार तरीके से काम करना पड़ेगा, आप अपने कार्यकर्ता मारे जा रहे हैं, उनके साथ नहीं खड़े हो रहे, विच इज नॉट राइट। धरना देने के लिए अगर आप बैठे हैं तो कैसे बात बनेगी। एक उदाहरण से बताता हूं, चंद्रशेखर के जमाने में पता लगा, 55 MP थे उसके पास, केवल प्रधानमंत्री के पास, पता लगा कि तमिलनाडु की सरकार जो है वो लिट्टे की मदद कर रही है। उन्होंने बरनाला, उस समय वहां के गवर्नर थे, उनसे रिपोर्ट मांगी, बरनाला ने उनके इशारे की वजह से नहीं दी। अगले दिन मीटिंग बुलाई, 55 MP वाले प्रधानमंत्री ने बर्खास्त कर दी सरकार, तमिलनाडु टांग दिया। तो दबंगई, एक गुजरात में दंगा हुआ, गृहमंत्री अमित शाह, DG पुलिस, 5-7 IPS और इन सब को जेल में डाल दिया इस इटालियन ने। शक्ति मानसिक चीज है, यहां पर एग्जीक्यूट होता है, पहले विजय यहां आती है, उसके बाद एक जमीन पर उतरती है। आप अगर ढीले पड़ जाएंगे, कार्यकर्ता मार खा रहे हैं, अगले चुनाव में आपको कौन मिलेगा, कहां से आएंगे,
वो अपेक्षा कर रहे हैं कि वहां पर, क्योंकि उद्दंडता करने वालों को, हमला करने वालों को पुलिस का संरक्षण है, उस संरक्षण को तो आप रोक सकते हैं, बाकी कार्यकर्ता निपटे और एक सपोर्ट सिस्टम खड़ा कर दीजिए, थाना पुलिस कचहरी के लिए मदद करिए, बाकी तो ठीक है लोग। बंगाली मूलतः कैसे वीर लोग आप समझ सकते हैं, मास्टर सूर्य सेन ने चटगांव के जो विप्लव हुआ है, कोई 22-23 लड़के थे स्कूल के, उनके बूते पूरी आर्मरी अंग्रेजों की छीन ली चटगांव में 20-22 लोगों में। बंगाली इतने वीर हैं कि कलकत्ता से राजधानी दिल्ली शिफ्ट करनी पड़ी, जीना हराम कर दिया था, नेतृत्व तो बदल गया है खराब, तो उस नेतृत्व तो की कमी को पूरा कीजिए, वीर बनिए, फिर सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। करने का मामला सिर्फ इतना है, एक बार तेजस्विता, क्योंकि पौरुष का कोई विकल्प नहीं है, कहां तक हटेंगे पीछे। असम में भग गए, वहां से मुझे पता लगा कि 400-500 कार्यकर्ता तो जानकारी में है कि असम आ गए हैं। असम में क्या बदलाव आज नहीं है, वहां की स्थिति नहीं है, और भाजपा सरकार से जो अपेक्षा की जाती है वो अपेक्षा गलत नहीं है, और भाजपा उस कसौटी पर खरी नहीं उतरती, ये भी सच है। राष्ट्र के, मैं सीधी सी बात करता हूं, उस समस्या के समाधान पर थोड़ी सी बात कर लूं, राज्य हमें सुरक्षा नहीं दे रहा पा रहा, ये राज्य का काम है, हमारे पास शस्त्र नहीं है, चूंकि हमारे पास हमें हथियार नहीं मिलते, तो शस्त्र खोल दो, निवट लेंगे हम, इतना ही तो करना है, और ये किया कैसे जाए ये भी समस्या है। सिविलियंस के लिए 0.22, 0.32 और 0.25, 22 बोर, 25 बोर, 32 बोर, ये तीन छोटे वेपन हैं, बाकी 38 बोर, 45 बोर, ये सब पुलिस के लिए हैं। इन वेपन्स को सिविलियंस के लिए खोल दो और इनको लीगल सबको ठीक करा के, क्योंकि हर थाने में 5-7 पिस्टल रिवॉल्वर जरूर हैं, इन सबको 2 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए कोई रकम तय कर दो और सब बेच दो। एक AK-47 39,000 की लीगली मिलती है गवर्नमेंट को, एक रिवॉल्वर में 5-6 वेपन आ जाएंगे, एक झपट में स्टेट में हर थाने में इतने वेपन आ जाएंगे और सिविलियंस के पास इतने वेपन आ जाएंगे, हम निपट लेंगे, वी आर हेडिंग टुवर्ड सिविल वॉर, इस सिविल वॉर से हम निपट लेंगे, हम देखें उसके बाद, हर घर में 2-2 रिवॉल्वर होंगे, क्या मसला है, कोई बड़ी बात नहीं है, मगर उसकी तैयारी तो करनी पड़ेगी, हर बात को ये सोच के टालने से शुतुरमुर्ग वो बिल्ली आ रही है कबूतर आंख बंद करके बैठ जाए, कबूतर रेत में सर दे ले, इससे क्या होगा, जूझना तो पड़ेगा, तो उसकी तैयारी तो करो। राज्य नहीं दे पा रहा हमको सुरक्षा, जहां गुंडे बदमाश कुछ करना चाहते हैं वो कर गुजरते हैं, उसके बाद राज्य व्यवस्था करेगा, हमको पकड़ेगा, उन बदमाशों को पकड़ेगा, उसकी छान फटक करेगा, मुकदमा चलेगा, 10 साल ही सारी बात होती रहेंगी। कल्पना करें कि जो हाईवे हैं उस पर रेप हो गए, गाड़ी पकड़ ली और सब हुआ, इनके पास 2 रिवॉल्वर होती तो क्या मजाल थी किसी की, शस्त्र आप हमें दे नहीं सकते और आपके बस का व्यवस्था है नहीं, आप क्या करते हैं जब कुछ घटना घट जाती है तो उसके बाद हमको रगड़ते हैं। हमारे लिए हमारा काम पहले उस जिल्लत झेलना, परिवार की महिलाओं के साथ अपमानित हुए हम सब, उसके बाद अब हम कोर्ट में जाएंगे, उल्टे सीधे सवाल पूछे जाएंगे, दूसरा पक्ष का वकील साबित करेगा कि ये महिलाएं जिनके साथ रेप हुआ है ये दुष्ट हैं, दुष्चरित्र हैं, उनसे ऐसे सवाल पूछेगा कि कोई भी सभ्य महिला सुन नहीं सकती, इस सब चीजों पर। उसकी जगह अगर हमारे पास रिवॉल्वर हो, यही जहां जहां ऐसा उत्पात है, क्योंकि बांग्लादेशी घुसे हुए हैं, इन बांग्लादेशियों को ठीक करने के लिए वेपन तो चाहिए ना, आप शस्त्र दीजिए हमको, हम शस्त्र खुद खरीदेंगे, लाइसेंस पर 1.5-2 लाख रुपए एक लाइसेंस पे डीएम और उसकी चेले चांटी खा लेते हैं, इसको सरल कीजिए। और सरकार का कुछ नहीं जाने वाला, बल्कि उसके पास शस्त्र आ जाएंगे, एक एक रिवॉल्वर बेचकर 4-4, 5-5 कम से कम AK-47 हर थाने में आ जाएगी, अगर 6 रिवॉल्वर हैं तो वहां पर 30-35 AK-47 आ जाएंगी, पुलिस की भी धमक आ जाएगी। आज जो इतने बड़े बड़े वेपन लिए घूमते हैं उनकी बगल में टंगा होगा AK-47 तो आदमी सीधा रहेगा, एकदम से भारत का पूरा शस्त्र का परिदृश्य और ये जो हिंसकता है ये बिल्कुल सीधी हो जाएगी।
मगर आप उसके लिए हम एक सनद तो कीजिए। 1859-60 में से शस्त्र हमारे हाथ में नहीं है। हम घर में धारदार अगर 10 इंच का चाकू रख लें तो वो इलीगल है, हम बाजार में लेकर नहीं निकल सकते। कुल्हाड़ी, दरांत, हसिया, ये भी हम अगर बाजार में लेकर जा रहे हैं तो ये इसके लिए पुलिस वाला हमें पकड़ सकता है। तो कैसे बात बनेगी? आप सुरक्षा दें, नहीं दे सकते तो हमें सुरक्षा के लिए स्वयं व्यवस्था करने दें। ये पॉसिबल है, बड़ी बात नहीं है, मगर उसके लिए कुछ तैयारी तो करो, कुछ मदद तो करो। तो ये सारी स्थितियां पहले से हैं। मूलतः मैं गजल का आदमी हूं और आज भी शायर हूं। बढ़िया, मैं आपसे बात करता हूँ, शेर सुनाता हूँ आप लोगों को। ये सुनिए, ये आ गई है एक आपके लिए फरमाइश है, सुधीर कुमार पटनायक हैं, के मूड बन जाए नेशनलिज्म का। मेरा एक बहुत प्रसिद्ध रचना है, हिंदू जीवन हिंदू तन मन रग रग हिंदू मेरा परिचय, मैंने यहाँ नीरज जी के यहाँ बोली भी है, उसको सर्च कर लीजिए। आज पढ़ने का मन नहीं है मेरा उसको, क्योंकि मैं सोचता हूँ, परसों में मैंने बात की है इस विषय पर, बंगाल पर, और पूरे मूड से प्रखरता से जो मुझे कहना चाहिए, जो मुझसे अपेक्षित है वो कहा है, मगर खिन्न में हूं। और उसका कारण है कि ये मामला हमको छत्र देने का है, भाजपा बजाय वहां धरना देने के, इसकी चिंता करा दे बिल्कुल घोषित रूप से। आप आगे बढ़ो, तुम्हारी थाना कचहरी हम देखेंगे, तुम्हारी बीवी भूखी नहीं मरेगी, तुम्हारा बच्चा परेशान नहीं होगा, वी विल रिस्पॉन्स, हम करेंगे, लोग निपट लेंगे। लोगों को ये लगता है कि हमारे नेता तो डरपोक हैं, और उसने कहा था कि ये केंद्रीय बल कब तक रहेंगे हम देख लेंगे। तो एहसास कराओ ना, जिन बस्तियों में यह हुआ है राष्ट्रपति शासन लगाओ और रौन दो इन्हें। मैं एक ब्रिटिश पीरियड की घटना बताता हूं। पेशावर के पास इंटीरियर में दर्रा आदम खेल के इलाके में एक वो थी छावनी, वहां से एक लड़की उठा ली गई अंग्रेजों की। अंग्रेजों ने एक्शन लिया तो वहां जो कबीले के सरार थे उन्होंने कहा था लड़की हम बरामद करा देते, बोले नहीं बरामद तो हम ही करेंगे, घरों में से घुस घुस के चीन चीन के लाए, पूरे इलाके पर जुर्माना लगाया, हर 15 साल से बड़ा आदमी उसके पिंडलियां तोड़ दी, जो बुरी तरह से मार मारी, और उसके बाद उस महिला ने लंदन वापस नहीं गई, वो वहीं रही। जिजीविषा इसे कहते हैं, विजिगीश वृत्ति ये होती है कि अगर हमारे साथ अन्याय हुआ है तो इसका बदला लेंगे, इतना भयानक प्रतिशोध लेंगे कि पीढ़ियां रोती हुई तड़पती हुई रह जाएं। जहां से ये हुआ है उसका दंडित होना चाहिए, नहीं तो दंडित करोगे तो ये केवल वहीं का मामला नहीं है, इन बस्तियों की, इस तरह की बस्तियों के, बिहार की बस्तियों के लोग, असम के लोग सब पीछे हट जाएंगे। तो ये पौरुष का क्षण है, पूरी भरपूर सिद्धता दिखाने का। और इसका परिणाम जो है भाजपा को भी तो भुगतना पड़ेगा अगर आज वो नहीं करेंगे तो। भाजपा छोटी चीज है, जीते हारे कुछ भी हो मैं उसकी बहुत चिंता नहीं कर रहा हूं, ये धर्म राष्ट्र का प्रश्न है। भाजपा हिंदू विचार का प्रतिरूप बन गई है, उसकी रक्षा, उसकी सिद्धता राष्ट्र की, धर्म की रक्षा करती है भाजपा चाहे ना चाहे, मगर स्थिति ये है तो उसको छोड़ा नहीं जा सकता। तो खैर मैं फिर उसी विषय पर लौटता हूं, मैं सदैव से ऐसा था, उर्दू पर गजल पर बात करता था और इस हद तक जिद्दी हूं, लिखना सीख रहा था उर्दू, किसी ने मजाक उड़ाई तो मैंने कहा मैं एक लफ्ज नहीं पढ़ूंगा अब, मैं जबान के मामले में आप बिल्कुल नहीं कह सकते, मतलब इस हद तक है कि मैं बोल रहा हूं तो कोई कह ही नहीं सकता मैं मुसलमान नहीं। बल्कि इस पे एक लतीफा सुन लीजिए, मजेदार मुशायरा, ये था बहराइच का, गेरुआ कपड़ा पहने में, धोती कुर्ता, और मुशायरा पढ़ के और बिल्कुल छलांगे मारता वो मुशायरा, पीक पर ले जाके छोड़ा, मैं नीचे उतर के आया, 4-5 लोगों ने घेर लिया, तहमत और धोती कुर्ता पहनता था, गेरुआ, साहब क्या जबान पाई है आपने, कसम खुदा की क्या नूर बरस रहा है, किस खानदान के हैं? मैंने कहा काफिरों के खानदान का हूं। तो वो जरा सा पीछे हटे, बोले हो ही नहीं सकता, कोई गैर मुस्लिम ऐसी जबान नहीं बोल सकता। मैंने कहा साहब मैं मुसलमान नहीं हूं, हिंदू हूं।
अरे नहीं साहब हम मान नहीं सकते। तो मैंने कहा फिर चेक कर लो और क्या करूं, तो एकदम से सारा सन्नाट, हंसी हुई बड़ी बात टल गई। तो मैं उर्दू को दाएं से बाएं लिख नहीं सकता, बोल सकता हूं बढ़िया जबान, और मैंने बड़ी बड़ी किताबों के तर्जुमे किए हैं सिर्फ बोलकर। पूरी किताब हिंदी देवनागरी स्क्रिप्ट में लिख ली, उर्दू में ही, उर्दू की किताब देवनागरी स्क्रिप्ट में। अब मैं उसको पढ़कर करूंगा। मैंने कहा मैं नहीं पढ़ूंगा इस स्क्रिप्ट को, ये हमारी नहीं है, इसकी ऐसी तैसी। और उसके बावजूद गजल में किसी से एक मिलीमीटर पीछे नहीं जाऊंगा, अपनी पीढ़ी के लोगों बराबरी से ताल ठोकेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो इतना अड़ियल भी हूं कि नैप नहीं पढ़नी, उर्दू को दाएं से बाएं नहीं पढ़नी, इसे बाएं से दाएं रखेंगे। मैगजीन भी इसीलिए निकाली, लोगों ने कहा भी कि यार ये उर्दू को मारना चाहता है इसलिए हिंदी में निकाल रहा है। तो लोगों ने कहा कि इसमें कहीं कोई चीज बताओ कि वो कुछ गलत हो रही हो। तो मुझे आज तक इन सब के बावजूद कभी हिंदी का आदमी नहीं कहा गया, मैं हूं उर्दू का आदमी, गजल का ही आदमी हूं। मुझे कभी नहीं कहा गया मैं हिंदी का आदमी हूं। उसका कारण है कि उर्दू के जो गजल के नियम हैं उन पर चौकन्ने से चौकन्ना व्यक्ति मुझसे आगे नहीं जाता, बहुत कोशिश करेगा तो बराबर में ही आएगा, और उसमें मुझे कोई समस्या भी नहीं। मगर मेरी गजल हिंदुस्तानी गजल होगी, मेरी उर्दू बाएं से दाएं लिखी जाएगी, दाएं से बाएं लिखी जाएगी, वो हिंदी की एक शक्ल होगी, उससे ज्यादा नहीं होने देंगे, नहीं करने देंगे, पूरी जिद के साथ कि ऐसा कोई भी काम जो राष्ट्र के विरोध में जाएगा उसको नहीं करने देंगे, जहां होगा वहां विरोध करेंगे, और उससे हमारी शायर होने पर असर नहीं पड़ता, हम हैं उसमें क्या है। तो मुल्ला मैं कोई अपना मानसिक खतना बिल्कुल नहीं करने दूंगा, ना करने दूंगा ना करवाऊंगा, और गजल में पूरा हूं पक्का। तो ये हमेशा सरा है जी। अच्छा अब एक तो ऑडियंस से कह रहे हैं अगर कोई प्रश्न पूछना चाहे तो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आज आप तुफेल जी से प्रश्न पूछ सकते हैं। हाँ एक प्रश्न जो बार बार आता है कि विनय कृष्ण को आपने तुफेल कब किया, क्यों किया, और इसका अर्थ क्या था। मैं नवी में था तो मेरा कोई दोस्त, मुझे शायद मेरा ख्याल है कि अहमद यार खान ने ये नाम दिया था। एक आध वाकया सुनाता चलूं, अहमद यार खान बहुत बढ़िया फुटबॉल के प्लेयर थे, वो बिरला में, मैं बिरला में था तो उस समय 9 साल फेल हुए, शुरुआत हुई वो चूंकि फुटबॉल के प्लेयर थे उनकी वजह से स्कूल का रिजल्ट ना गिरे इसके लिए प्राइवेट एग्जाम दिलाया जाता था उन्हें। अच्छा। और हर बार वो फेल होते थे वायवा में, साइंस के वायवा में ऐसा कुछ ना कुछ उत्पत्ति सी करते थे, जैसे आर्कमिडीज का वो था एक बड़ा जार था उसमें पानी था, तो जो टीचर था एग्जामिनर आया उसने ब्लॉटिंग पेपर लिया और उस पर एक सुई लेकर तैरा दी, थोड़ी देर में ब्लॉटिंग पेपर पानी में डूब गया, नीचे एयर की लेयर बन जाती तो वो सुई तैरती रही। फिर उसने एक 5 ग्राम का बाट चिमटी से उठाया, ये रखा और डाला, वो डूब गया। तो उन्होंने पूछा पहले अहमद यार खान, उन्होंने कहा जी सरकार ये सुई तैरती रही और ये 5 ग्राम का बाट डूब गया, ऐसा क्यों हुआ। तो बोले अल्लाह की कुदरत है साहब, बड़े बड़े जहाज तैर जाते हैं, सुई की क्या बात है। तो हर साल कोई ऐसा काम करते थे कि 0 आए उनका, और सबको पता था कि वो टीचर्स की एज के हो गए थे। तो ये मेरे ख्याल है अहमद यार खान ने ये नाम दिया था, मुझे याद नहीं वैसे। और तुफैल का अर्थ है कारण और सहारा, कि मियां किस तुफैल में घूम रहे हो, किस कारण से घूम रहे हो, सरकार आप ही का तुफैल है, यानी आप ही का सब मदद है। तो बस वो पुरानी चल रही है, चल रही है। तो लेता हूं मैं प्रश्न ऑडियंस से। लोग मोदी के गुस्से में एंटी बीजेपी पेज फॉलो। अच्छा नहीं, आज तो मैं चाहता हूँ कि आप तुफेल जी से उनके प्रश्न पूछे, उनके जीवन पर, ये इनको भी ले लेंगे, लेकिन आज मुझे लगता है कि हम जिनका जीवन जानने चाहे। एक बाप मुझसे रावल बना, इन मुल्लों को रेगिस्तान में दुन दफना, मक्कार का मक्कर, नहीं समझ पा रहा, आप पढ़ दीजिए। हे बाप मुझे रावल बना, इन मुल्लों को रेगिस्तान में दुन दफना,
मक्कार का मक्कार बना, संगनी और जननी का फर्क रहा मिटा, तो फिर जी मोहम्मद चालीसा लिखिए। इस सिलसिले में एक बड़ा काम अंडरस्टैंडिंग मोहम्मद का प्रचार, और मुझे लगता है कि वो बहुत काम की चीज लोगों तक पहुंची है। राष्ट्रवादियों के पास हिंदी बेल्ट में वो अद्भुत मदद कर गई है, तो वो चालीसा से ज्यादा का काम है वो, और हमेशा एडवोकेटिंग करता हूं कि वो 200 भाषाओं में है। गोपाल वर्मा साहब, तो पहल जी मैं भी कुछ कुछ लिख लेता हूं। अब ये बुढ़ा बैल कहां तक गाड़ी छोड़े, मेरे शागिर्दों में से किसी का शागिर्द करा दूंगा, संपर्क कर लीजिए अगर आपका कलाम अप टू द मार्क हुआ, क्योंकि अब वो स्थिति नहीं है कि छोटे आसे अनार और बड़े आसे आम ये पढ़ा सके, अब तो PhD के स्टूडेंट्स ही ले सकते हैं, तो जूनियर्स में से किसी से बात कर देंगे, मगर आपका कलाम देखने पर, क्योंकि वो स्पार्क है कि नहीं, लोग कई बार थॉट को शायरी समझ लेते हैं, थॉट इम्पोर्टेंट होता है मगर वो एक फॉर्मेट है, उसके बिना थॉट काम नहीं करता। जैसे किसी भी पानी से सिंचाई नहीं हो सकती, सिंचाई के लिए नहर और नहर से फिर अजवाहा, अजवाहे से फिर नालियां निकाल कर ही लाना पड़ेगा, डायरेक्ट नहर का पानी छोड़ दिया तो पूरी खेती उलझड़ जाएगी, खेत के खेत वीरान हो जाएंगे, उसका एक सिस्टम बनाना पड़ता है। तो थॉट भर से नहीं होता, हिंदी में इसीलिए कविता दमदार नहीं रही है कि वहां छंद मिट गया और वहां सिर्फ लतीफेबाजी चुटकुले रह गए, इसीलिए नष्ट हो गई है। छंद बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसके नियम टेक्निकल काम है कविता, तो वो अगर आती है या आप में स्पार्क है वो हम देखकर समझ जाएंगे, तो कीजिए। मेरा ईमेल एड्रेस है tufailchaturvedi@gmail.com, उस पर भेजिए, मैं देख लूंगा। मनीष वर्मा जी, सर बंगाल के बाहर के लोगों का दायित्व क्या है इस घटना पर, हम क्या करें? मेरी जानकारी के अनुसार, और कल संजय दीक्षित जी भी इस पर कह रहे थे कि बंगाल में प्रतिशोध प्रतिरोध भी हुआ है, तो जिन्होंने प्रतिरोध किया है उनकी सपोर्ट बन जाइए, थाना कचहरी पुलिस होगा तो उनकी आर्थिक मदद कीजिए, उनके लिए वकील खड़े करने में मदद कीजिए, इसका आज कल में ही पता लग जाएगा कौन लोग हैं क्या हो रहा है, तो उनकी मदद कीजिए निश्चित रूप से उनके साथ, और किसी के साथ खड़े होने का और कोई मतलब नहीं है। मैं संजय जी की या नीरज जी के साथ खड़ा हूं, उसका क्या मतलब है, ये दूसरे शहर में रहते, मैं इस शहर में रहता हूं, आर्थिक सहायता ही एकमात्र मदद होती है और कोई मदद नहीं होती इसके अलावा, या आर्थिक सहायता से क्रय की जा सकी चीजें वो मदद होती हैं, इसकी व्यवस्था कीजिए, यही आपका दायित्व है, और एक पूरा मूड बनाइए, रोते पीटते वीडियो आगे मत भेजिए, व्हाट्सएप मत चलाइए, हर व्यक्ति 30 मार्खा बना हुआ फौरन वो फोटोग्राफी करना शुरू कर देता आदमी, ये सब मत करिए। देखभाल के ऐसे किसी भी वीडियो को जो हतोत्साहित कर सकता है, एक तटस्थ व्यक्ति को डरा सकता है, उसको तुरंत नष्ट करिए, पौरुष की बात कीजिए, ललकारिए, मदद कीजिए। अभिषेक सिंह जी हैं, एक बेंगोली को यूट्यूब पे सुना कि उसे धमकी मिली है, किसी ने सजेशन दिया मरना है तो मार के मरो, वो कहता है पाप लगेगा, मछली मीट खाने का में पाप नहीं। अच्छा, ये ऐसा नहीं हो सकता, को बंगाली ये कहे कि मार के मरो तो उसे पाप लगेगा, किसी ने मचकाने पर में बात कह दी होगी, बंगाली मूलतः वीर जाति है और इमोशनल है, एक बार मूड आ गया तो वो कर जाएंगे, मगर अपने जिम्मेदारी निश्चित लेनी पड़ेगी। केरल से कोई दौड़ के आए और महाराष्ट्र से वहां कोई पहुंचे, ये नहीं होने वाला है। राजशाहियां नहीं है कि मराठे घोड़े लेके निकले और उन्होंने काठियावाड़ी और पूरे इलाके में और यहां से अटक से कटक तक सब रौद मारा, वो जमाना नहीं है। आपको अपने स्तर पर करना पड़ेगा, समाज आपके साथ खड़ा होगा, राष्ट्र खड़ा होगा, और इसमें कटते भी चलो बढ़ते भी चलो, कांधे भी बहुत हैं सर भी बहुत, ये तो सो होता ही है। सकेत कुमार जी हैं, नीरज जी तो फिर जी प्रणाम, प्रणाम जी तो फिर जी, हिंदू तन मन हिंदू जीवन जो अटल जी पढ़ते हैं, क्या आपने लिखा है? नहीं, अटल जी ने नहीं, ये मूलतः अटल जी की भी नहीं है, ये हरिवंश राय बच्चन की कविता है, मिट्टी का तन मस्ती का मन क्षण भर जीवन मेरा परिचय,
ये शराब पीने वाले कुल्हड़ के बारे में अच्छा उन्होंने लिखा है, मिट्टी का तन मस्ती का मन क्षण भर जीवन मेरा परिचय। उन्होंने अटल जी ने उसमें हिंदू जीवन हिंदू तन मन रग रग हिंदू मेरा परिचय किया। अटल जी की कविता अपने सीनियर हैं, कुछ मजेदार नहीं है, मगर मैं छंद जानने वाला आदमी हूं, उसमें छंद की एक आध चूके भी हैं और कुछ चीजें गलत हैं। जैसे ये पंक्ति है, कोई बतलाए काबुल में जाकर कितनी मस्जिद तोड़, ये सिरे से गलत बात है, बहुत बार तोड़ी हमने, एक आध बार नहीं बहुत बार तोड़ी है। तो इतिहास को और इस पर गौरवान्वित क्यों हो रहे हैं कि मस्जिद तोड़ी नहीं तोड़ी, तो ये कोई सम्मान का विषय है? इसे प्रसन्न क्यों? जो हमें यातना दे रहे हैं उनको उसी माने में उसी टूल से हम ट्रीट कर रहे हैं, इसमें दिक्कत क्या है? अटल जी तो बेसिकली वामपंथी मानसिकता के प्राणी थे, वो भाजपा के अंदर मिसफिट थे, गलत और पता नहीं क्यों, और बहुत कुटिल धूर्त आदमी, बहुत सारे सर उतारे, न जाने कितने सफीने डुबो के उभरा है, ना खुदा मल्लाह सफीने नाव, न जाने कितने सफीने डुबो के उभरा है वो शख्स लोग जिसे ना खुदा समझते हैं, अटल जी उनमें थे। अपने आसपास अपने बराबरी बड़ा कोई टिकने ही नहीं दिया कभी, बहुत पहने चौकर ने गोविंदाचार्य ने काट मारा, यही तो कहा था गोविंदाचार्य ने कि अटल जी मुखौटा हैं, इसके पीछे पूरी पार्टी, गलत क्या कह दिया? अगर वैचारिक रूप से बड़े पैमाने पर काम हो रहा है, लोग इसके लिए चिंतन के लिए लोग अलग हैं, तो इसमें गलत क्या है? मगर अटल जी ने इसको कि गोविंदाचार्य तेज है ये लॉबिंग कर सकता, काटो इसे, रगड़ मारा, एक आध थोड़ी, ये जो क्या नाम है इनका सुब्रमण्य स्वामी, इनको ढेर करने वाले कौन है अटल जी? बलराज मधोक को काटने वाले कौन है अटल जी? एक आध थोड़ी है। तो अटल जी की साहित्यिक समझ कोई बहुत अच्छी थी, वो वक्ता थे, चमत्कृत करने वाले वक्ता, बहुत विद्वान वक्ता नहीं है, उनकी शैली ऐसी थी कि लोगों को मजा आता था। चुनाव जितने वो जीते उससे ज्यादा हारे, ऐसा नहीं था कि वोटों में बदल पाते थे, वो उनके अंदर गुणवत्ता थी। तो वो कविता उनकी, मैं तो 11वीं में पढ़ता था तब की मेरी कविता है, अब की नहीं है, अटल जी कविता सुनी थी और उसके बाद लिख मारा। तो वो अटल जी की कविता अलग है, मेरी कविता अलग है, बस टीप की पंक्ति पहली पंक्ति है। अमित शर्मा जी, प्लीज पोस्ट शॉर्ट वीडियो ऑन मौज जॉश फॉर यंग जनरेशन। ये तो मैंने नाम पहली बार सुने जी, बताएंगे तो कर सकते हैं। जोश फॉर सुमित सिंह, सर उत्तर प्रदेश में भी खतरे की घंटी बज रही है, 30% प्लस 18% का दीदी का कैलकुलेशन, अब हर पार्टी बनाएगी, यूपी में आपको क्या लगता है? देखिए अभी जो चुनाव हुआ है उसमें पहले नंबर पर भाजपा है, दूसरे नंबर पर निर्दलीय आए हैं, सपा बसपा ने भी अच्छा किया है, निश्चित बात है, मगर ये बात ध्यान रखिए कि निर्दलीय इस चुनाव में बड़े काम के होते हैं, ग्राम प्रधानी का चुनाव है, ये सब हो रहा है, असेंबली के चुनाव में निर्दलीय कितने काम के होते हैं, कितने आते हैं? तो वो दो अलग ही इक्वेशन है, उसको देखकर इससे कोई बड़ी बात समझें। और बाकी तो राजनीति में तो एक हफ्ता बहुत बड़ा समय होता है, पता नहीं किस तरफ किधर क्या चला जाए। मैं आशा करता हूं कि योगी जी या भाजपा आएगी, मैं भाजपा को वोट दूंगा, इससे अधिक मेरे हाथ में नहीं है, बाकी तो जो प्रभु की इच्छा होगी वो होगा, कोई घंटी पंटी नहीं है, सब ठीक है। गोपाल वर्मा जी पूछ रहे हैं, तो फिर जी मुनव्वर राणा का प्रसिद्ध मेरे हिस्से में माँ आई, उन्होंने जयपुर के किसी शायर से चुराया था, क्या आप कोई जानकारी? नहीं, ये जयपुर का शायर नहीं है, वो वहां का इस जिस शायर ने क्लेम किया था ये इंदौर का है शायद, नाम भूल रहा हूँ। मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई, और जिन्हें क्या मुनव्वर राणा का पहली पंक्ति अलग है, इनकी पहली पंक्ति दूसरी है, मगर मूल कंसेप्ट एक सा। एक बात आपको बता दूं, मुनव्वर राणा भी मेरे देखे हुए हैं, उनका कलाम भी, और जिस शायर का ने ये कहा था कि मेरा है वो भी मेरा देखा हुआ है, वो इस कद का शायर नहीं है कि मुनव्वर राणा उसकी चोरी करें, ये गलत बात है, सिरे से गलत बात है। मुनव्वर राणा ने कोई एक लाइन नहीं लिखी या एक आध कोई कितबिया नहीं लिखी, मुनव्वर राणा का लंबा काम है,
ढेर सारा काम है, प्रोज भी बहुत अच्छी है मुनव्वर राना की। मुनव्वर राना के जहरीलेपन की वजह से मैं उनके कद को कम नहीं कर सकता। और एक हिंदू शायर ने ये कहा कि मेरे हिस्से माँ ये मेरा है, तो ये भी नहीं कह सकता कि मुनव्वर राना का उसने चुराया होगा। वो शायर मुनव्वर राना के कद का शायर नहीं है, बहुत छोटा है। तो ये बात ज्यादती है, ज्यादती है। जैसे और ये परंपरागत रूप से जैसे बशीर बद्र का एक शेर बहुत मशहूर हुआ था, मुजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। बशीर बद्र की शोहरत इससे हुई थी। ये शेर बेसिकली गलत है। और ओरिजिनल शेर यह है, कफन दाबे बगल में इसलिए फिरता हूं ए अर्शी, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। गलत इस हवाले से बशीर बद्र का शेर, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, उजाले यादों के ना तो चिट्ठियां हैं। उजाले यादों का मतलब दिमाग में, दिल में कहीं समझ लीजिए, उसमें कुछ स्मृतियां हैं। तो मेरी यादों के उजाले या मेरे अंदर किसी की याद के उजाले हैं, नीरज जी की यादों के उजाले मेरे दिल में हैं, तो नीरज जी कैसे छीन लेंगे उसे? चिट्ठी ले सकते हैं, तोहफे वापस ले सकते हैं, यादों के उजाले कैसे निकाल लेंगे? इसके अलावा खोपड़ी में गोली ना मार दें, ये तो संभव ही नहीं है यादों को उजाले लेना। मगर इस शेर से उनकी शोहरत हुई। और ये शेर की दूसरी पंक्ति अर्शी साहब का शेर है, कफन दावे बगल में इसलिए फिरता हूं अर्शी, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। ये परंपरागत रूप से है। दूसरी पंक्ति किसी की हो, पहली पंक्ति जो लगाएगा उसका माना जाता है। तो मुनव्वर राना का साहब का शेर और वो जो शायर है उसका शेर, दोनों का पहली पंक्ति अलग अलग है। तो ये क्लेम करना कि मेरा, ये गलत बात है। ट्रेडिशन है, ये परंपरा है जी। एक बढ़िया शेर याद आ गया, गालिब का एक बहुत मशहूर शेर है, घर में बाहर आई है, एक सेकंड। कोई वीरानी सी वीरानी है, दश्त यानी जंगल बेआबान, कोई वीरानी सी वीरानी है, दश्त को देख के घर याद आया। जंगल की वीरानी को देख के मुझे याद आया कि मेरा घर भी ऐसा है, कि ऐसी कोई वीरानी सी वीरानी है, कोई सीमा है मेरे घर की वीरानी की, दश्त को देख के घर याद आया। नवाब लखनऊ की यहां एक मांदी है, उसका शेर है, दश्त को देख के घर याद आया। घर को देखा है तो याद आया दश्त, घर को देखा है तो याद आया दश्त, दश्त को देख के घर याद आया। तो गालिब ने चोरी नहीं की, ये परंपरागत रूप से है कि दूसरी पंक्ति पर हम अपनी पंक्ति लगाएंगे तो वो हमारी मानी जाएगी, इसे चोरी नहीं कह सकते। जी महाभारत जी पूछ रहे हैं आपसे, तुफैल जी हिंदी खड़ी बोली और उर्दू के जन्म और डेवलपमेंट कैसे हुई? अब तक हमने जावेद अख्तर को सुना है, वो गलत बताता है, हमें सत्य बताना चाहिए। एक घंटे का अलग से कार्यक्रम लेना पड़ेगा, ये आज भी नहीं हो सकता, लंबा विषय है, निश्चित रूप से लेना चाहूंगा। उर्दू को बनाया गया, उर्दू को बनाया गया ऐसे हिंदी को भी बनाया गया, ये दोनों भाषाएं बात की हैं और बहुत शक्लें बनी हैं, जिसे उर्दू कहते हैं इसी का नाम हिंदी है, जिसे हिंदी कहते हैं इसी का नाम उर्दू है, परंपरागत रूप से है। इस पर किसी दिन बैठ के बात करना चाहूंगा, निश्चित करना चाहूंगा, ठीक है, मगर आज नहीं, आज नहीं। डॉक्टर चेतन, भाषा शुद्धि पे सावरकर जी ने बहुत काम किया था, अनेक पर्शियन शब्दों को मराठी से संस्कृत प्रतिशब्द देके हटाया था, यही हिंदी में ही होना चाहिए। आप ठीक कह रहे हैं, मगर कठिनाई ये है कि बहुत सारे शब्दों के मूल शब्द समाप्त हो गए, चादर, तकिया, गद्दा, मराठी में लफ्ज है जकात, जकात ना का ऑक्ट्रॉय के लिए, जकात अरबी का शब्द है, जहां टैक्स लिया जाता है, महसूल वसूला जाता है, उसे जकात ना का कहते हैं, ये शब्द उसका नहीं है। बंगाली में तकिया के लिए लफ्ज है बालिश, गालिब ने पंबाए बालिश फारसी है, बहुत सब शब्द हैं, क्योंकि जिसे आज ईरान कह रहे हैं, जिसे आज अरब कह रहे हैं, वो सारे क्षेत्र मूलतः तो हमारे ही क्षेत्र हैं, हमारी संस्कृतियां थी जो वहां से बेदखल हो गई,
तो उन भाषाओं को, जैसे मैं कैप लगाता हूं जाड़ों में, लोग कहते हैं कि आपने ये कैप क्यों लगाई, ट्रेडिशनल कैप है अफगानिस्तान में, आज से कुछ 700-800 साल पहले की, छोड़िए 300 साल पहले हिंदू स्टेट थी 1910 के आसपास में। देखिएगा क्या नाम उसका, काफिरिस्तान डालिए अफगानिस्तान में, काफिरिस्तान डालिए, एक पूरा एरिया है जिसको मुसलमान जबरदस्ती तलवार की नोक पर किया गया और नूरिस्तान नाम रख दिया गया, पूरा डिस्ट्रिक्ट है वो, सारा हिस्सा हिंदुओं का था। आज भी पाकिस्तान के इलाकों में आज भी काफिरिस्तान बोलते हैं, वहां हिंदू हैं। तो वहां का पहनावा जिसे आज आपको अफगानी मुसलमानों का लग रहा है, वो 300 साल पहले हमारे पूर्वजों का पहनावा था। केवल वो मुसलमान हो गए, जैसे मैंने स्वयं काशीपुर में और बिहार में मुसलमान धोती पहनते देखे हैं, बिल्कुल लांगदार धोती। राजस्थान में आज भी मुसलमान धोती पहनते हैं गांव में, राम राम सा कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम नहीं, राम राम सा बोला जाता है। तो जो मुसलमान हो गए तो वो पहनावा भी मुसलमान हो गया क्या? ऐसे ही भाषा के शब्दों को जो आ गए उनको निकालेंगे कैसे? बहुत से शब्द ऐसे हैं जो फारसी में बिल्कुल संस्कृत के हैं, हिंदी में बहुत से शब्द ऐसे हैं। मैंने आपसे कहा चादर के लिए क्या करें, लिहाफ के लिए क्या करें, मूल शब्द कोई रहा होगा वो वापस लाना पड़ेगा। तो उस उन शब्दों, अच्छा उनको चलन में हम कैसे लाएं? संज्ञाएं अनुवाद नहीं होती। आप चॉकलेट की हिंदी क्या करेंगे या लड्डू की अंग्रेजी क्या करेंगे? इमरती को क्या करेंगे, जलेबी को क्या करेंगे? जलेबी मूल हमारा, हमारी डिश नहीं है, जलेबाई है लफ्ज, वहां से जलेबी बना है, ये भारतीय डिश भी नहीं है, ये भारतीय खाना भी नहीं है। मगर अब कोई ये कहे कि ये भारतीय खाना नहीं है, कौन मानेगा? हर हर नगर में, हर गांव में, सब में बनती है। तो वो कुछ मिला होता है और आप उसको बाहर नहीं कर सकते, बड़ा कठिन है। टाइम क्या हो रहा है, सहज व्यवहार है। समय क्या हो रहा है, कई बार मतलब मेरे लिए सहज है, सबके लिए नहीं होता। अब वो अभ्यास हो गया, जैसे नरभसा गए बिहार में, नर्वस के लिए नरभसा गए, क्या करें इसका। जी आकाश शर्मा जी पूछ रहे हैं, तुफेल जी अमीर खुसरो के बारे में आपके विचार। पक्का मुल्ला, सड़ा हुआ, बदबूदार, काफिरों से नफरत करने वाला, जो ये थी क्या नाम, विजयनगर साम्राज्य, इसको नष्ट करने की सारी योजना इसकी थी, भयानक अत्याचारी था। कविता इसके नाम पर बहुत कुछ जोड़ी गई है, इस पर विवाद है कि ये अमीर खुसरो की है या किसी दूसरे की है। मगर अमीर खुसरो की सारी कविता हो तो भी उसकी दुष्टता तो नहीं मिटती। उसने लिखा है, उसका जो पर्शियन का, तुर्की का कलाम है उसमें, कि हम शेर हैं और ये काफिर तो हिरन है, इनका शिकार करना हमारा काम है, हमारी तलवार के जौहर से काफिरों की हिम्मतें ठंडी पड़ गई हैं, बिल्कुल खामोश हो गए हैं, डर गए, इस तरह की बेहुदा बातें लिखी हैं उसने। वेदों की निंदा कई जगह की हुई है। और आकाशी एक मैं आपको इसका इंसिडेंट बता देता हूँ, इसने लगभग अपने जीवन काल में शायद जहाँ तक मुझे ध्यान है 6 अलग अलग शासक देखे थे और सभी की चाटुकारिता की थी इसमें। एक उदाहरण दे देता हूँ बस, जब अलाउद्दीन खिलजी सुल्तान बन के आया था तो उससे पहले जो उसका ससुर था और चाचा भी था इसका, अलाउद्दीन खिलजी का, वो शासक था और ये उसका दरबारी कवि होता था या शायर जो मर्जी बोल लें, और उसके कसीदे पढ़ा करता था। तो ये इसका मालिक गया अलाउद्दीन खिलजी से मिलने, अलाउद्दीन खिलजी ने उसकी गर्दन उतारी और भाले की नोक पे गर्दन लेके सर रख के वहां पर ये दिल्ली में दाखिल हुआ और अमीर खुसरो ने तुरंत उसके कसीदे पढ़ते हुए एक नई कविता लिख डाली अलाउद्दीन खिलजी की प्रशंसा करती। तो ये इस प्रकार का नीच व्यक्ति था। निशांत जी हैं, मेरा सौभाग्य है कि मैं तफील दादा से मिल लिया। नहीं निशांत, नई पीढ़ी से मिलकर हमको भी लगता है अच्छा। कल नीरज जी से, वो संजय दीक्षित जी से किसी ने एक प्रश्न किया था कि आप दोनों बूढ़े हो रहे हैं, आपका आपका उत्तराधिकारी कौन होगा?
तो मैंने बताया कि मैं तो इस पर काम कर रहा हूँ, और उन्होंने कुछ परिहास में टाला, मगर ये मशाल जो हमारे हाथ में है राष्ट्र की, जिससे हम महसूस करते हैं कि हम अंधकार नष्ट करेंगे, वो आप ही सब लोग तो उठाएंगे, आप ही लोग तो उठा रहे हैं। आज हजारों लोग हैं जो ताल ठोक रहे हैं, ये अपने मुंह से कहना शोभा नहीं देता, मगर सच तो है। जो सोशल मीडिया से पहले से लिख रहे हैं, शंकर शरण, मैं, हिंदी में दो लोग हैं, बाकी सब बाद में आए हैं, सोशल मीडिया, फेसबुक, ये सब सब बाद में अखबारों में लिख रहे हैं, उस काल से जब कांग्रेस की सरकार थी। परिणाम मिला है उसका, इतने लोग निर्माण हो गए हैं, इतना गर्व होता है कि एक एक पूरी हिलोर, एक पूरी करवट, एक पूरी सुनामी क्रिएट हो गई है, और ये सुनामी दबाव दे रही है, केवल वाचिक नहीं। मैं 60 वर्ष का हूं, मैं एक आध दो से लड़ सकता हूं, मगर आप जैसे लोग हजारों चाहिए, जो खड़ग हस्त हों, जिनकी वाणी में ही वज्र ना हो, जिनके हाथों में भी वज्र हो, तो ऐसे लोग तो आपसे ही मिलेंगे, तो ये मेरे लिए भी बहुत सौभाग्य का विषय, सम्मान का विषय। गोपाल वर्मा जी, तो फिर जी, आपने उर्दू की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की, और पीएचडी छात्र से आपका क्या था? पीएचडी छात्र मतलब जो गजल बहर में कह लेता हो, ठीक ठाक कह लेता हो, क्योंकि छंद सिखाना भी, अभ्यास कराना, वो बड़ा कठिन काम है। अभ्यास ललक उस छात्र में होगी, और एक ये कठिनाई है, इल्म मजलिसी है ये, कि हम साथ बैठकर अपने उस्ताद के साथ मिलकर, मैं, मेरे उस्ताद लखनऊ में थे और मैं शेर कहता दाखिल हुआ था, मगर मेरे अपने साथ के जो लोग थे उनसे रोज मिलना होता था। ये जो मजलिस से इल्म मिलता है, आप बैठकर ऑब्जर्व करते हैं, वो अब मुश्किल हो गया है। तो हम ऐसे जो तैयार हैं कि भाई ये शॉट लगा लेता है, अब इसको हुक सिखाना है कि छक्का ऐसे जाएगा, ये वाली स्थिति चाहिए। मैंने आपसे कहा, मैंने अपना एड्रेस आपको दिया है, तुफैल चतुर्वेदी @gmail.com, tufailchaturvedi@gmail.com। मुझे कुछ रचनाएं भेजिए, मोबाइल नंबर लिख दीजिएगा, मैं स्वयं संपर्क करूंगा आपसे जी। ऋषिकेश जी, सुपर स्टिकर के लिए आपका बहुत आभार। सिद्धार्थ जी हैं, अजीत भारती ने रोस्ट किया था जिहादी मुनव्वर राणा का, यूट्यूब में सर्च करिए, बहुत मजेदार है, मैंने देखा था, वो बहुत बढ़िया था। अच्छा है, ये सारे लोग देखिए, आचार्य चतुर्सेन उपन्यासकार हैं, और उपन्यास लिखने के लिए आपको चीजें मिलानी पड़ती हैं। मैं इसे बताता हूँ, गांधी पिक्चर आपने देखी होगी, बड़ी प्रसिद्ध, बेन किंग्सले और ये सब, भानु थैया वगैरह, सब बड़ी मशहूर किताब पिक्चर थी। उसमें एक बड़ा सुंदर दृश्य है कि एक तालाब है कोई महाराष्ट्र या गुजरात का, उसके किनारे गांधी फेरे ले रहे हैं, सूखे फेरे, पहला फेरा इसका नाम, एक दूसरे के माँ बाप बनाया जा रहा है, वो उसे बापू कर रही है, वो उसे बाप कर रहे हैं, बा का मतलब माँ होता है, बापू का मतलब बाप होता है, एक दूसरे के माँ बाप बनाया जा रहा है, वो घूम रहे हैं, ये सब हो रहा है। उसने पिक्चर बेचने के लिए बनाई, गांधी के पत्र उपलब्ध हैं, गांधी ने तो डाक टिकट के पीछे भी कुछ लिखा है, तो भारत सरकार ने वो भी प्रिजर्व कर रखा है, सब कुछ उपलब्ध है, पत्र है इसमें, गांधी अपनी पत्नी के लिए अपने बेटों को पत्र लिखते हैं, तुम्हारी माँ झगड़ने वाली चुड़ैल है, और जवाब में उनकी पत्नी लिखती है, तुम्हारा बाप फुंकारने वाला सांप है, मगर पिक्चर में अगर ये दिखा दे तो पिक्चर चलेगी कैसे। तो आचार्य चतुर्सेन तो उपन्यास और बड़ी सुंदर भाषा के, बड़ा बढ़िया काम, जोरदार काम। वैशाली की नगर वधु क्या सुंदर उपन्यास है, वयम रक्षामा तो क्या बढ़िया उपन्यास है, मगर उसके तथ्य पुष्ट कोई वाल्मीकि रामायण से होंगे तो नहीं होते, नहीं होते, वो उपन्यास है। टेस्ट आदित्य जी हैं, तो फेल गुरु जी, आपको तो डेथ थ्रेट आते होंगे रोज, कभी आपने किसी पर कंप्लेंट किया है? की साहब, किसी ने हमें वहां से फोन किया था, पाकिस्तान से या अफगानिस्तान से, तो हमको हमारे किसी मित्र वकील ने कहा था कि तुरंत रिपोर्ट करना, इससे तुम्हारा रिवॉल्वर लाइसेंस बन जाएगा,
उसने फोन किया, उसने हमको गाली दी, उसे पता ही नहीं था कि इसमें तो हम सिद्धस्त हैं। हमने उसकी सात पीढ़ी तक, उसकी परनानी तक इतनी सुनाई कि उसने तंग आके फोर काट दिया। रुका रे, ऐसे मत कर, धमका मत। मैं एक वाकया सुनाता हूँ। गालिब को किसी ने खत लिखा, उस जमाने खत आते थे, और गालिब बिल्कुल लास्ट एज में थे, तो उसमें गालिब को उनकी माँ की गाली लिखी। गालिब ने जवाब दिया और उसमें जी लिखा है कि मियां साहबजादे, आपको तो गाली बकने की भी तमीज नहीं है, आपको तो ये तक नहीं पता कि मेरी उम्र के आदमी को माँ की नहीं बेटी की गाली दी जाती है। हम गजल वाले लोग हैं, निपटना आता है हमें, तो हमने रिपोर्ट की थी, हमने रिपोर्ट की, और उसके बाद एक दरोगा आया हमसे बात करने, और उसके बाद जाने क्या हुआ कुछ पता नहीं, कुछ नहीं हुआ। इस सब की ऐसी बातों की, जो आदमी देखिए जो गुस्सा जाहिर गाली बक के कर रहा है वो क्या कर पाएगा। और मैं एक आपको उस्तादियां बता रहा हूं, नवाब साहब रामपुर, मुर्तजा अली खां, जो अब नवाब है, इनके बाप निकी मियां के बड़े भाई, एक वक्त एक घंटे कुछ मिनट का रिकॉर्ड है, डिफरेंट लैंग्वेजेस में बिना रिपीट किए गाली दे सकते थे। कागज कलम लेके बैठिएगा, 15 गालियां याद नहीं आएंगी। मजाक नहीं है ये, उस्तादी है बड़ी वाली। एक घंटे प्लस, और वो गालियां मैंने सुनी है इसलिए बता रहा हूं, मुझे मालूम है। तो उसमें कौन मुकाबला करेगा हमारा, इसके तो बिल्कुल मतलब ध्यानचंद है, निपट लेंगे। वो भाग गया वो छोड़ छाड़ के। कलड़ी पट्टू का प्रश्न बिल्कुल ठीक बात है। शस्त्र होना पर्याप्त नहीं है कि खड्ग ले ली, रिवॉल्वर ले लिया, पिस्टल ले लिया, कहीं से कट्टा ले आए, मगर उस कट्टे को चलाएंगे इधर, गोली जाएगी इधर, तो उसको सेट तो करना होगा। बिल्कुल ठीक बात, अच्छी बात है, सही कह रहे हैं। रूपम शर्मा जी, इस्लाम का अंत सत्य हो, हर हर महादेव जी। हर हर महादेव निश्चित होगा। संसार को, सभ्य समाज को अगर जीवित रहना है तो इसे नष्ट करना पड़ेगा, नहीं तो सभ्यता नष्ट हो जाएगी, विश्व नष्ट हो जाएगा, समाप्त हो जाएगी दुनिया, ये मंगल ग्रह की तरह बिल्कुल वीरान सब हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा यहाँ, तो ये तो करना ही पड़ेगा। सनातन भारतवर्ष, आप दोनों को प्रणाम। शायरों का तो नहीं पता, लेकिन रामधारी सिंह दिनकर जैसे कवियों की बहुत जरूरत है, देश की रगों में उबलते पानी को खौलता। बहुत अच्छा नाम लिया आपने, अद्भुत अद्भुत कवि, मेरे प्रिय कवि, मुझे बहुत पसंद, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, अद्भुत कवि। पूनम भारद्वाज जी, एक बद्दुआ पढ़ें इस पाक महीने में उस धर्म के लोगों के लिए जो धर्म के आधार पर बंगाल में तांडव कर रहे हैं, आमीन। ये पाक महीना बिल्कुल भी नहीं है, इस्लाम की पहली जंग इसी महीने में लड़ी गई थी, जिस महीने में काफिर बिल्कुल जंग नहीं करते थे, मान कर चलते थे, इस समय कुछ नहीं होगा, मोहम्मद ने पहला हमला इसी महीने में कराया था, ये बिल्कुल भी पाक महीना नहीं है, एक बात समझ लीजिए। हाँ, ये और बद्दुआ दुआ देने वाले लोग नहीं हैं, कुछ चीजें सिर्फ समझने की होती हैं, बहुत लंबा रास्ता तय किया है, और जो मैं आपसे कह रहा हूं कि ऐसा कीजिए, वो मैंने स्वयं जीवन जिया है, जो बस का था पूरा। वरुण जी हैं, प्रणाम विनय भाई, का पसंदीदा उत्तराखंड का व्यंजन, आपका पसंदीदा खेल एवं खिलाड़ी कौन है, बताइए। इसका उत्तर मैं गालिब के हवाले से दूंगा। गालिब बहुत शौकीन आदमी थे शराब के, दिल्ली में पेंटून पुल था, पक्का पुल नहीं था, तो वो मेरठ जाके वहां की जो कैंटोनमेंट था उससे पोर्चुगीज वाइन और स्कॉटलैंड की शराब, यानी उस जमाने की स्कॉच, घड़ों में भर के लाते थे। गालिब से किसी ने पूछा कि साहब सबसे अच्छी शराब कौन सी है, तो उन्होंने जवाब दिया मुफ्त की, तो साहब जो खिलाएंगे वो सबसे बढ़िया। जो खिलाएंगे वो बढ़िया। पसंदीदा खेल और खिलाड़ी कौन सा है फिर? ये बड़ा सवाल है, जिस जमाने में खेल पसंद थे तो, मगर क्रिकेट कभी पसंद नहीं आया, उसमें कभी कोई दिलचस्पी नहीं रही। और नीरज अत्री जी पर इंटरव्यू मैं करूं, साहब नीरज जी को अच्छा ठीक है, करेंगे साहब, जय बद्री विशाल, जरूर करेंगे, ये काम करेंगे। खेल के बारे में मेरी बहुत रुचि कभी नहीं रही, मैं सदैव से, मुझे ध्यान नहीं पड़ता,
कि कनेक्शन टूट गया क्या? तो फिर जी आवाज आ रही है हमारी? ये क्या हो गया? हाँ, बगिया वाला घर कहलाता था, तो उसमें मेरे दो चाचा हैं। बीच में कुछ सेकंड तो कट गया था। हाँ कोई बात नहीं, मैं रुक गया था। अच्छा, मैं रुक गया था उस समय। अब मुझे आदत आ गई है कि ये दिखते ही मैं चुप हो जाता हूँ। अब जब ये फिर पकड़ेगा तब बात करूंगा। तो हम चार भाई बहन एक, और मेरे एक चाचा के तीन बच्चे और दूसरे चाचा के दो, तो चार तीन सात दो नौ भाई बहन थे। जी इस उससे वो संदर्भ, किस संदर्भ में बात कर रहा था वो ही मेरे दिमाग से निकल गया। अच्छा, ये मैं किस लिए बात कर रहा था वो मेरे ध्यान से उतर गया। तो खेल के बारे में। हाँ खेल, मुझे एक दिन भी याद नहीं है कि अपने माता पिता भाई बहनों के साथ में बैठा हूंगा। मैं हमेशा किताबें पढ़ता था, लाइब्रेरी थी पिताजी की, मार खाता था, क्योंकि वो जमाना ये था कि बच्चों को बिल्कुल पपेट की तरह कि हम यूं हिला रहे हैं तो वो यूं बैठे, यूं उठा रहे हैं तो वैसे, इस तरह का जमाना था। किताब पढ़ रहे हैं, रात में डांट के बैठा दिया, सो लिहाफ ओढ़ लिया, टॉर्च से पढ़ रहे हैं। ये समझ नहीं थी कि लिहाफ के पास टॉर्च की रोशनी जाएगी फिर पिटाई हो रही है, मगर पढ़ते जरूर थे। तो मेरे भाइयों में किसी को इतना पढ़ने का शौक नहीं है, उनका अपना ढंग, सबका अपना ढंग। तो मैं पढ़ने का मेरे को रुचि थी। गांधी के अपने पत्नी को गाली देने वाला पत्र कहाँ मिलेगा? गांधी के, महात्मा गांधी के ब्रह्मचर्य के प्रयोग एक किताब है, और किसने छापी है, शायद वाणी ने छापी है, किसने छापी है सर्च कर लीजिएगा। दो किताबें हैं, गांधी के ब्रह्मचर्य के प्रयोग, ये शंकर शरण जी की किताब है, ये राजपाल से छपी है, और महात्मा गांधी के ब्रह्मचर्य के प्रयोग, ये खासी मोटी किताब है। इसमें ये लिखित रूप से संदर्भों के साथ है, आपको ये मिल जाएगा। गाली देने वाली बात नहीं है, ये सच बोला जा रहा है। अगर वो ये कह रहे हैं फुंकारने वाला सांप है तो गांधी था ऐसा, इसमें गाली गांधी गई है। फुंकारने वाला सांप था, वो कह रहे हैं झगड़ने वाली चुड़ैल है। तो एक पति पत्नी ऐसे जिसमें पति 35 साल की उम्र में तय कर लेता है कि पति पत्नी को भाई बहन की तरह रहना चाहिए, यौन संबंध नहीं रखने चाहिए, बिना पत्नी से बात करे, और उसके बाद ब्रह्मचर्य के प्रयोगों के नाम पे लड़कियों के साथ नंगा सोन लगता है, तो बीवी तो हंगामा करेगी, मोबाइल कटेगा ही। आप अपने आप को करके देखें कि आपने तय कर लिया कि पत्नी के साथ यौन संबंध नहीं रखेंगे, और उसके बाद किशोरियों के साथ 17-18 साल की लड़कियों के साथ ब्रह्मचर्य चेक करने के लिए नंगे सोन लगेंगे, तो बीवी राड़ा ना काटेगी, खून पी जाएगी। आज की बीवी होती तो गले में छाती चढ़ के बैठ जाती। तो कस्तूरबा बड़ी पतिव्रता किस्म की। तो बैल जी किस व्यक्ति का आपके? निस्संदेह सावरकर, निस्संदेह सावरकर और नाथुराम गोडसे, ये पूज्य पुरुष हैं दोनों। इनके प्रति मैं अगाध आस्था से, अगाध सम्मान से भरा हुआ, एक क्षण भी मुझे सोचने में नहीं लगा, तुरंत तो नाम याद है। राहुल गांधी जी पूछ रहे हैं, मैं मोदी जी और बीजेपी के एक्शन से गुस्सा हूँ, बंगाल में प्रेसिडेंट रूल या आर्मी एक्शन क्यों नहीं हो रहा? मोदी जी का ट्वीट भी नहीं आया। नहीं, ट्वीट तो आया उनका, वो ममता जी को उन्होंने बधाई दी है, ट्वीट तो आया। आपको उन्हीं से बात करनी होगी, इसका उत्तर मैं कैसे दूं? ये मेरे लिए उपयुक्त नहीं है, मेरा विषय नहीं है। डॉक्टर चेतन, सवा नकवी के घर के काम करने वाले आदमी को सूचना और प्रसारण मंत्री बनाया है, उनको महिला बाल विकास मंत्रालय देना चाहिए, वो महिलाओं की मदद करते हैं। सूचना प्रसारण मंत्री बना, किसको बना दिया? पहले तो रवि, नहीं रविशंकर प्रसाद नहीं होते थे, पता नहीं आजकल कौन है। सवा नकवी के घर में काम करने वाला, ये कुछ ऐसा कहना चाह रहे हैं, बिटवीन द लाइन समझने का मामला है ये, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ ये क्या कह रहे हैं, क्योंकि इसकी गॉसिप मुझे पता नहीं है राजनीति की, दिल्ली की। कुछ ऐसा है कहना चाह रहे हैं कि घर में काम करने वाले आदमी, इसका कोई मतलब है? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ क्या है। जी क्षमा चाहेंगे, थोड़ा स्पष्ट करें। पाइन इज नॉट यूनाइटेड नंबर। बंधु, एक बात आपसे निवेदन करूंगा, मैं कई बार बोलता भी हूं, समाज स्वयं जागृत नहीं होता, इसे सेनापति, राजा, आचार्य, ब्राह्मण, विद्वान, जो भी
वो करते हैं इसको संगठित। दुर्भाग्य है कि हिंदुओं का राजनीतिक नेतृत्व या हिंदुओं का नेतृत्व करने वाले जो संगठन हैं वो वर्तमान काल में उस कसौटी पर खड़े नहीं उतर रहे, मगर उस काम को हम लोग कर रहे हैं। संघ के जो सरसंघ चालक हैं मोहन भागवत, उनका भी कुछ ही दिन पहले 15-20-25 दिन पहले स्टेटमेंट आया था, उन्होंने कहा है बौद्धिक क्षत्रिय, और ये भी कहा है कि बौद्धिक क्षत्रिय को आवश्यक नहीं है कि संघ की परंपरा से हो, तो वो ठीक कह रहे हैं। बौद्धिक क्षत्रिय का नीरज जी ये काम कर रहे हैं, माता पिता नाराज हो गए इनके, ठीक। संजय दीक्षित जी काम कर रहे हैं, संजय दीक्षित एडिशनल सेक्रेटरी थे, बड़ी इंपॉर्टेंट पोस्ट होती है वो, चाहे भाजपा की सरकार हो या कांग्रेस की सरकार हो, हर सरकार में प्रताड़ित रहते गए, बहुत अच्छा काम किया है। आप जाइए राजस्थान में, आपको गांव देहात में भी अनार दिखाई देंगे। अनार अफगानिस्तान का फल हुआ करता था, राजस्थान में कहां से आ गया। इतने बड़े जब ये सेक्रेटरी हॉर्टिकल्चर थे, इन्होंने बड़े पैमाने पर वो टेक्निक सऊदी अरब से लाए, इसराइल से नहीं मिली, और उसके बाद वहां खूब ढेर पेड़ लग पाए, काम किया, आप उसके बावजूद इग्नोर हुए। तो ये बौद्धिक क्षत्रिय हैं। पुष्पेंद्र लगातार काम कर रहे हैं, नरसिंहानंद लगातार काम कर रहे हैं, नरसिंहानंद जी ललकार रहे हैं, जहां बैठे हैं वो खतरनाक जगह है, ताल ठोक रहा है वो आदमी। बौद्धिक क्षत्रिय का मतलब कि हम वैचारिक रूप से तेजस्वी वीर लोग निर्माण करते हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि संघ की परंपरा से, उसका कारण है कि संघ की परंपरा में तो ऐसे लोगों को विकसित करने के लिए कोई तरीका ही नहीं है, तो वो कहां से बनेंगे। मैं संघ का संशोधक हूं, मगर मैं संघ की वजह से ऐसा नहीं हूं। मैं अगर होता तो मेरे जैसे मेरे शहर से और 50 आ गए होते, मेरे साथ के संशोधक ऐसे होते, वो नहीं है। तो ये मेरी व्यक्तिगत बात है, नीरज जी के साथ के लोग क्यों नहीं है, तो ये व्यक्तिगत है, और जगह जगह से उभर रहे हैं। तो ये बड़े पैमाने पर हो रहा है, और यही लोग समाज का नेतृत्व करेंगे, उठाएंगे, और इसमें सर भी जाएंगे, युद्ध है, इसमें गर्दनें जाती हमारी भी जाएंगी और दूसरे की भी जाएंगी, वो तो स्वाभाविक है। मगर विकसित करने का काम जो हिंदू संगठनों का है, हिंदू संगठन उस कसौटी पर खड़े नहीं उतर रहे हैं। तो कोई विकल्प, अब सोशल मीडिया आ गया इसलिए विकल्प खड़ा हो रहा है, निश्चित रूप से हो रहा है। गौरव गर्ग, नीरज जी गांधी का जॉब एप्लीकेशन कहाँ मिलेगा, जो आपने तो फिर जी के साथ अलग सेशन में शेयर किया था, मैंने आपको मेल भी किया था। मैंने जॉब एप्लीकेशन तो मुझे याद नहीं, मुझे भी नहीं ध्यान आ रहा। ये जरूर कहा था कि गांधी नौकरी करने के लिए गए थे साउथ अफ्रीका, एक स्मगलर था उसके उसके नौकर थे, वो तक ठीक है, मगर जॉब एप्लीकेशन ये नहीं मालूम, मैंने नहीं देखी कभी ये नहीं कुछ। कुंवर सागर सिंह परिहार, क्या अद्वैतवाद और द्वैतवाद दोनों गलत हैं? आर्य समाज इतना इस्लामिक बर्ताव क्यों रखता है? आर्य समाज जी आदि शंकराचार्य जी की निंदा करते हैं क्यों? देखिए दो चीजें मैं बिल्कुल स्पष्ट कर दूं, धर्म बचाना है, मेरा स्टेटमेंट बहुतों के दिल छलनी करेगा, विरोध भी करेगा, लोग खराब भी समझेंगे मुझे, मगर सच तो बोलना पड़ेगा। धर्म बचाना है तो आर्य समाज के अलावा कोई रास्ता नहीं है, ये एकमात्र तरीका है, तार्किक भुजा है हमारी। आर्य समाज की एक मुश्किल ये है कि अब आर्य समाज पश्चिम उत्तर प्रदेश और हरियाणा की जो जाट बेल्ट है उसमें ही रह गया है, बाकी इक्का दुक्का है कहीं कहीं, आप इसे ढूंढने चाहें तो अब नहीं मिलते, उसके वो मूवमेंट के रूप में ठप हो गया है। जाटों का अपना स्वभाव है, वो चलते बैल की पूंछ मरोड़ने वाला उनका स्वभाव है, उनको तफरी लेने मजा आता है, और फिर कोई आर्य समाज का कोई बिल्कुल ABC वाला आदमी पल्ले पड़ गया हो तो वो ये करेगा। जैसे मैं साधु रहा हूं, मेरे एक मित्र थे, उनके पिताजी के पास में मेरठ में बैठा था, तो वो मुझसे बोले स्वामी जी आप क्या को मर जा तो उसके बाल क्यों काट दें? तो मैंने कहा जी पता नहीं, बोले मूंड मांड के ऐसा करते हैं जैसे इसी ने मारा हो। तो ये जाटों की शैली है, वो मजा लेंगे, तो ऐसे किसी ने कोई बदतमीजी करती होगी, और
बहुत सारा आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि तार्किक रूप से जो चीजें नहीं हैं, पुराणों में ऐसा बहुत कुछ है, तो उसके विरोध में इस्लामी बात करेंगे तो आपको दो चीजें, या तो आप उन्हें सही साबित करें, क्योंकि जिस कसौटी पर हम उन्हें रगड़ रहे हैं उसी कसौटी पर अगर हम मार खा जाएंगे तो फिर बात कैसे बनेगी। सावरकर जी ने, आपको ध्यान दिलाता चलूं, सावरकर जी ने एक बड़ा, उनकी पत्नी का देहांत हुआ तो सावरकर जी ने अंतिम संस्कार किया। वो महिला जो सारे जीवन प्रताड़ित कष्ट झेलती रही, न तो श्राद्ध करा, न तेरहवीं करी, न कुछ और किया, न ब्राह्मण भोज करा। नेहरू ने, अपनी पत्नी का देहांत हुआ, वो पत्नी जिससे उसके कोई सीधे संबंध भी नहीं थे, उसके बावजूद नेहरू ने बाल कटवाए, ब्राह्मण भोज किया, तेरहवीं करी, सारे कर्मकांड किए। तो सावरकर का हिंदुत्व निश्चित बड़ा है, और सावरकर जी ने कहा भी है, क्योंकि तार्किक रूप से वो इन चीजों का बचाव नहीं कर पाते, इसलिए वो कहते हैं कि मैं तो विश्व मानव हूं, तुम्हारे कारण से हिंदू बनता हूं। ये एक टेक्निकली करेक्ट बात कह रहे हैं वो, क्योंकि मैं इन चीजों का बचाव नहीं कर सकता तो मैं ये कहूंगा कि मैं एग्नोस्टिक हूं। जैसे नीरज जी तो को उसने लड़के ने, मैंने उसका वीडियो देखा, चुनौती दी कि साहब बहस करूंगा मैं आपसे, मैं आपको आपके ग्रंथों पर धरूंगा और आप मुझे मेरे ग्रंथों पर करें। मैं इनकी जगह हूं तो मैं कहूंगा मैं तो एग्नोस्टिक हूं, विश्वास ही नहीं करता इस पे, हर समझ पक्का मैं मानता ही नहीं, मैं तुझे रगड़ूंगा, मैं अपनी टांग दूंगा ही नहीं तेरी तरफ, कबड्डी खेलना तेरी टांग घसीटनी मैंने अपनी नहीं देनी। क्योंकि इसमें बहुत सारा कुछ ऐसा है जो बहुत ही विवादास्पद है। आप खुद कल्पना करें कि वेदों को और हनुमान चालीसा को, दोनों को एक सा धर्म ग्रंथ कैसे माना जा सकता है? रामचरित मानस को वेद के बराबर कैसे रख सकते हैं? स्मृतियों को कैसे रख सकते हैं? तो बहुत कुछ ऐसा है जो काल के हिसाब से, और इनको ब्रह्म वाक्य मान के मत चलिए, बहुत कुछ ऐसा है जो बिल्कुल कूड़ा है। तो हम क्या करें? तो हम जैसे लोग तो एग्नोस्टिक कह के बचा लेते हैं अपने आप को, मगर जो, तो आदि शंकराचार्य के बारे में किसी ने हल्की बात कह दी होगी, आदि शंकराचार्य के प्रति सम्मान से भरे हुए, मगर मूर्ति पूजकों की कठिनाई है कि वो ओरिजिनल जो टेक्स्ट है उससे प्रमाणित नहीं होते, ये बात पक्की है। और जिन भाष्यों के आधार पर वेदों में मूर्ति पूजा सिद्ध होती है वो भाष्य बहुत बेहुदा हैं और बड़े अश्लील हैं। उन भाष्यों को अगर पूरा पढ़ लीजिए तो आपका मन करेगा इसके जूते बजाए जिसने कराए भाष्य। तो ये एक समस्या है। मैंने आपसे नटशेल में कहा कि अगर राष्ट्र को बचाना है तो तार्किक रूप से आर्य समाज के अलावा और कोई माध्यम नहीं है, कोई विकल्प ही नहीं, आप बचा ही नहीं सकते। तो उसमें फिर शंकराचार्य भी जाएंगे, मंदिर भी जाएंगे, मठ भी जाएंगे, ये है। और ये असंभव है, ये भी जानता हूं मैं, ऐसा नहीं है कि संभव लग रहा हूं, मुझे बिल्कुल नहीं लगता जी। शक्तिमान चैनल इस्तिंजा, मुझे दीन की दावत कबूल है, किस फिरके में जाऊं? आफ्टर एक्सेप्टिंग इस्लाम मुझे 72 हुरें चाहिए और अभी चाहिए इस्तिंजा। ये बात ठीक है, और बल्कि ये कहिए कि मुझे तो यही चाहिए 72 हुरें। वो भी तो यही कह रहे हैं, अभी चाहिए उन्हें, तो इस्तिंजा भी कर रहे हैं। मैं इस पे एक वाकया सुनाता चलूं। एक साहब वाज कर रहे थे मुल्ला कि कोई शख्स अगर वस्ल करे यानी सेक्स करे तो गुस्ल वाजिब होता है, उसको नहाना जरूरी होता है। तो एक साहब ने मंतक बघारी की, बोले साहब अगर किसी को देख के ख्वाब में हो तो, यानी सपने में स्वप्न दोष हो तो, उन्होंने कहा साहब गुस्ल वाजिब होता है। और बोले जिसको देख के हुआ उसको, तो बोले उसे खबर दी जा सके तो उस पर भी वाजिब होता है। ठीक। अगले दिन सुबह सुबह मुल्ला का घर, किसी ने कुंडी खटखटाई, उन दरवाजा खोला तो उसने कहा साहब बड़ी साहबजादी पे गुस्ल वाजिब हो गया है। ठीक है। चार छह दिन बाद फिर दरवाजा खोला तो उन्होंने कहा साहब आज छोटी साहबजादी पे गुस्ल वाजिब हो गया है। हो गया साहब। एक 15-20 दिन के बाद फिर किसी ने दरवाजा खटखटाया, उन्होंने सुबह खोला, उनका बेगम साहिबा से कहिएगा कि आज नहा लें। एक महीना बीत गया, फिर किसी ने दरवाजा खोला, मुल्ला ने दरवाजा खोला, सामने वही साहब खड़े थे, बोले हाँ हाँ मैं नहा लूंगा। तो आपको मुल्ला से कहिए कि बदतर यही चाहिए मुझे।
जी रुद्रवीर वशिष्ठ, व्हाट्स हैपनिंग इन बंगाल पेन्स ऑल ऑफ अस, व्हाई डू वी हिंदूज फील सो लाचार एवरी टाइम ओवर रिलायंस ऑन वन मैन आई रेकन। इसको आप लीजिए। मेरा स्टूडेंट है रुद्रवीर जी और बहुत अच्छा युवक है। रुद्रवीर ठीक है आपकी बात के पीड़ा सबको है और लाचार हम इसलिए फील करते हैं, कई कारण हैं यूं तो, लेकिन मोटे मोटे आप ये जान लीजिए कि जो हमारा आत्मघात होता है कि अपने लोग साथ नहीं देते इसलिए लाचार फील करते हैं, और जब स्ट्रीट लेवल की बात है तो हम समय रहते ऑर्गेनाइज नहीं होते इसलिए भी लाचार फील करते हैं, और जो रिलायंस ऑन वन मैन है वो तो है ही है, वो तो एक फैक्टर है ही इसमें। और जो तो फिर जी थोड़ी देर पहले कह रहे थे ना कि पौरुष का विकल्प नहीं है, तो हम वो विकल्प वो हम पौरुष को आउटसोर्स करने की कोशिश करते रहते हैं और अपने आप को समय रहकर ये प्रॉब्लम सबसे बड़ी मुझे फील होती है कि ये है कारण हम लाचार फील करते हैं और दूसरों के सर ठीकरा फोड़ने की कोशिश करते हैं और उसमें हम महारत हासिल कर चुके हैं। एमिट यॉर्क, तो फिर जी अगर गोडसे जी ने गांधी को न मारा होता तो क्या गांधी महान होता? हत्या को नेहरू घाटी सभ्यता ने एनकैश किया और महान सिद्ध किया। कुछ लोग इस तरह से बात करते हैं और शायद ये ठीक भी हो कि गांधी अगर उस समय न मारे जाते तो गांधी का बहुत विरोध था, जुलूस निकलते थे, जो बिरला मंदिर जाते थे और वहां धरने दिए जाते थे कि गांधी को मरने दो, क्योंकि गांधी अनशन पर इसलिए बैठते थे आमरण अनशन पर कि दिल्ली में जो पंजाब से पाकिस्तान से हिंदू आए थे और बहुत ठंड थी, तो जो मुसलमानों के खाली घर पड़े थे उनमें जो मस्जिदें थी उनमें उन्होंने शरण ली कि कोई जगह नहीं थी, तो गांधी भूख हड़ताल पर बैठ गए कि इनको निकालो, तो पुलिस ने खींच खींच के उनको बाहर निकाला। उसी धरने में उन्होंने ये 55 करोड़ की बात जोड़ी थी, मूलतः 55 करोड़ के लिए नहीं बैठे थे, तो बवाल था उस समय। ये हो सकता है कि गांधी न मरा होता तो गांधी की राजनीतिक मृत्यु हो जाती, मगर कुछ लोग थे जिन्होंने तय किया कि इसने इतना बड़ा पाप किया है भारत माता के विभाजन का कि इसको स्वाभाविक मृत्यु नहीं मरने देंगे, ये स्वाभाविक मृत्यु मरेगा। इतने लोगों में एक भी ऐसा नहीं था जो उसका पौरुष का, क्योंकि गांधी का को दंडित करने का कानून में कोई माध्यम ही नहीं है। जो उनका अंतिम पत्र है वो पढ़िए, बहुत सुंदर पत्र है, वो लिखते हैं नाथुराम जी, देशभक्ति पाप है तो मैं मानता हूं कि मैंने पाप किया है, और यदि पुण्य तो मैं अपने आप को उस पुण्य का अधिकारी मानता हूं। मनुष्यों द्वारा स्थापित न्यायालय से ऊपर कोई और न्यायालय होगा हो तो मैं जानता हूं कि मेरे कार्य को पाप नहीं समझा जाएगा। मैंने उस व्यक्ति पर गोली चलाई जिसके कारण लाखों हिंदू मारे गए, करोड़ों हिंदुओं पर संकट आया। तो जिस बात को आप कह रहे हैं बंगाल में उम्मीद कर रहे हैं, नाथुराम गोडसे ने वही काम तो किया कि उसको दंड देंगे, इसकी इसके लिए हमको भुगतना पड़ेगा। ये सैनिक नहीं थे, ट्रेनिंग भी नहीं थी, उसके बावजूद तय कि इतने बड़े पापी को, इस महापापी को जिसने पूज्य मातृभूमि का विभाजन किया, राष्ट्र का विभाजन, और कल्पना करें कि इनकी जो विल है वो ये कि क्योंकि राज्य जिसको दंडित करता है, फांसी देता है, तो उसकी बॉडी पर उसका अधिकार नहीं होता, परिवार का अधिकार नहीं होता, वो राज्य की संपत्ति होती है, राज्य जैसे मजे आए उसको डिस्पोज ऑफ करे, दबा दे, जला दे, जो कर दे। तो उनका अंतिम संस्कार जेल में हुआ है और उनकी हड्डियां जो वो थी, अस्थियां और राख थी, वो नदी में फेंक दी गई। किसी जेलर जेल के आदमी ने बाहर हिंदू महासभा के लोगों को सूचना दी, वो तुरंत दौड़ के पहुंचे और उन्होंने उसमें से उठाई है, ये दी नहीं गई थी। उनका अंतिम पत्र है कि अगर तुम्हें, अपने भाई को लिखते हैं कि मेरे अंतिम संस्कार का अधिकार हो तो मेरी अस्थियां या उसमें से कुछ हिस्सा शेष रखना, तब तक जब तक कि सिंधु नदी अखंड भारत में भगवत ध्वज के तले न बहने लगे। यानी उस व्यक्ति ने माना, आज का जमाना नहीं है, 40s का है,
किसी महाराष्ट्र के ब्राह्मण के लिए अपने आप को ऐसा रखने का मतलब है कि उसने तय किया कि मेरी मुक्ति नहीं होगी, मैं प्रेत बनूंगा। जी, उन्होंने जो विल की है उसमें ये कि मैं प्रेत बनूंगा, उस क्षण तक भटकता रहूंगा जब तक सिंधु नदी वापस हिंदुस्तान के भगवत ध्वज के तले नहीं बहने लगे। तो ये यही कार्य तो किया था कि राष्ट्र के सम्मान का, जिसने सम्मान को आहत किया उससे प्रतिकार लिया। यही तो कार्य था जो हम आज बंगाल में उम्मीद कर रहे हैं, वही काम तो है। जी, और उसकी जिसकी बात कर रहे हैं उसी की थी ये कार्य है। संजय भटनागर जी धन्यवाद। धन्यवाद, आभार। सुशील जी, अच्छा ये आपको बता रहे हैं जी, इंसिडेंट मुझे ध्यान आ गया, ये इसने एक किताब लिखी थी जो मुस्लिम महिला सबा नकवी ने, तो प्रकाश जावड़ेकर ने जाके उसका विमोचन किया था पुस्तक का। ये नौकर क्या है कि कुछ जो कुछ है थोड़ा बात इसके पीछे, मैं बताता ना, उनका कहना ये है कि जो आपके नैरेटिव के बिल्कुल विरोध में जाती है आप उसको इस तरह से मंच प्रदान करते हैं तो गलत बात है, इसलिए वो कह रहे हैं। शत्रुबोध के मामले में हिंदू कमजोर हैं और जो हिंदुवादी पार्टी समझी जाती है भाजपा या संघ, वो तो बिल्कुल निश्चित रूप से बहुत कमजोर है, वो इसका ध्यान नहीं करते और उनसे पता नहीं क्यों आश्वस्ति ढूंढते हैं। कुलदीप नैयर से मिलने जाएंगे, उसको पद्म विभूषण दे देंगे, महान राक्षस था एक, और उसने विल की कि मेरी अस्थियां रावी में लाहौर में सिलाई जाएं, और सिलाई गई। ऐसा नहीं, नहीं वो हुआ। तो ऐसे व्यक्ति के साथ में उससे किस लिए लेजिटिमेसी चाह रहे हैं आप? आपको ये, आपको राष्ट्रवादी एक धारा विकसित करनी है और उस पर आरूढ़ होकर आप आए हैं, तो आप इनसे लेजिटिमेसी काहे के लिए ढूंढ रहे हैं? फलाने पत्रकार से, जैसे वो चंडाल जो है क्या नाम एनडीटीवी वाला, उसके घर चले गए एक महापुरुष हमारे, और उससे कह रहे हैं कि मेरी बड़ी चर्चा हो। अबे चर्चा नहीं हुई, वो ये इसको इस तरह देता है कि आप उसके दरवाजे पे आकर नाक रगड़ रहे हैं। आप काहे लिए उससे मिल रहे हैं? वो दरवाजे पर आप क्या आए, तो भी दो घंटे बैठाने के बाद उसे अंदर बुलाओ, तब तो आपका सम्मान आप पूछ लाते चले गए, ये क्या है? अब मुझे ध्यान है मोदी ने 2014 के इलेक्शन से पहले राजदीप को बस की सीढ़ियों में बिठाया था, उस तरह से इनको करना चाहिए था, लेकिन ये पता नहीं क्या बात है। जी, मैं दर्शकों से निवेदन करता हूँ प्रश्न और ना भेजें क्योंकि समय बहुत हो गया पहले से ही, और जो ये दो तीन है हम उन्हें ले लेते हैं। आज जो यति नरसिंहानंद जी ने 25 साल से तपस्या, सन्यासी का बढ़िया काम दायित्व निभा रहे हैं। लोग कहते हैं साधुओं ने क्या करा, एक अकेले आदमी ने पूरा पूरा इतिहास सन्यासियों का मुझ उजाले में ले आए, चमचम आ गए, एक व्यक्ति के कहने से चमचम आ गए। आकाश शर्मा जी, तो फिर जी मोदी जी आपको दिल से माफ कभी नहीं कर पाएंगे। कोई बात नहीं साहब, कौन माफ करेगा उसके दिल की, उसकी अतड़ियों की, उसके कलेजे की, सबकी फेफड़े वेड़े सबकी चिंता कुछ नहीं, हमारा अपना कलेजा काफी है। प्रश्न पूछा ना किसी ने कि आपके मन में सबसे आप पर किसका प्रभाव है, मैंने तुरंत एक क्षण रोके बिना, मेरे मन में दूसरा नाम ही नहीं आया, सावरकर और पूज्य नाथुराम गोडसे। मुझे बिल्कुल भी चिंता नहीं कौन माफ करे कौन नहीं करे, उसकी कोई बात नहीं। कुंवर सागर सिंह परिहार जी, अगर धर्म बचाने की बात ना हो और सत्य जानने की बात हो तो क्या करें, ना पढ़ाई में मन लगा पा रहे हैं ना कहीं, आपके स्टूडेंट कैसे बन सकते हैं? परिहार जी, मेरा ईमेल एड्रेस मैंने दिया, उस पर अपना मोबाइल नंबर दीजिए, मैं आपसे संपर्क करूंगा। मेरा विशेष विषय, मेरा आग्रह इस्लाम पर है कि अपने विमन है, कुछ ईसाइत पे काम करें, कुछ वामपंथ पे काम करें, कुछ इस्लाम पर काम करें हम लोग। और मैं, अगर मेरे से स्टूडेंट लफ्ज तो बहुत बड़ा शब्द है, मुझे लगता है कि मेरे मित्रों में आप सम्मिलित हों और आप में वो ललक, वो आग, वो तेजस्विता जो सावरकर जी में थी, उसका कोई हजारवां हिस्सा मेरे अंदर है, हजारवां, ईमानदारी से कह रहा हूं। उनको पढ़िए तो आपको पता लगेगा वो कैसा व्यक्ति है, कैसा जीवन, कैसे कष्ट उठाए उसमें।
मगर डिगा नहीं, तो ये हम सब में आए श्रेष्ठ बात होगी। शिव शंकर उमा शंकर जी सदस्य बनने के लिए आभार आपका बहुत बहुत। अब यूट्यूब चैनल के लिए तुफैल चतुर्वेदी के कह दीजिए और निपटाइए, दो घंटे हो गए। विक्रम जी हैं, हिस्टोरियन राघव शरण शर्मा कहते हैं गांधी वसीयत के करने के 12 घंटे बाद ही मदन लाल पहावा ने सिंधिया की रिवॉल्वर से मारा और 9 घंटे बाद मर गया। मतलब हिस्टोरियन राघव शरण शर्मा कहते हैं गांधी वसीयत के करने के 12 घंटे बाद ही मदन लाल पहावा ने सिंधिया की रिवॉल्वर से मारा। मदन लाल पहावा ने कहां से मारा और सिंधिया की रिवॉल्वर कहां से आ गई? अच्छा हाँ, मदन लाल पहावा ने बम फेंका था मगर वो पकड़े गए थे और 9 घंटे बाद मरे, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा, काफी कुछ हौच-पौच हो गया ये। अगर मैं कुछ समझ पा रहा हूँ या मेरी जो जानकारी है बता देता हूँ, गांधी की वसीयत इसी को चक्कर नहीं था, गांधी का वध हुआ ठीक, और वेपन ग्वालियर से आया था ये भी ठीक, मगर वो वेपन उनका सिंधिया जी का था कि नहीं था इसके जानने का कोई तरीका नहीं है, वो वेपन अब उपलब्ध भी है कि नहीं क्योंकि उस समय पुलिस ने रखा होगा, उसके रिकॉर्ड किसके पास कहां क्या होगा। वो एक कमेटी बनी थी ना, जिस कमेटी ने इस तरह का कुछ वो दिया था, रिपोर्ट तैयार की थी, मुझे नाम वो तो ये भी है कि राइफल की गोली से मारे गए तो वो बैठे ठाले कुछ उछाल। रूपम शर्मा जी सत्यान पते दुव्यम धर्मान प्रमदित्वम, इसका मतलब संस्कृत कम आती है, कुछ अच्छा ही कहा होगा ऐसा मान लेते हैं जी। धन्यवाद। I was talking about Gandhi's letter which he sent to British while he was in London saying I will not oppose my, अच्छा ठीक है वो मैं समझ गया, वो तो मिल जाएगी जी आपको, वो है हमारे पास। तुफेल जी आपका मेल आईडी दे दीजिए कृपया, धन्यवाद। अरे तुफेल चतुर्वेदी @gmail.com, बहुत ही सरल है, TUFAILCHATURVEDI, तुफेल चतुर्वेदी @gmail.com, मगर ध्यान रहे कि मैं रोज नहीं देखता ईमेल, कई दिन में चेक करता हूँ, मगर बात जरूर करूंगा जी। तो इसके साथ ही अब दर्शकों से निवेदन है और प्रश्न हम नहीं लेंगे क्योंकि पहले ही 2 घंटे हो गए हैं लगभग, और तुफेल जी ने सभी प्रश्नों के उत्तर दिए और जो आप सब लोग जानना चाहते थे उन्होंने बताया है। तो सभी दर्शकों की ओर से तुफेल जी बहुत बहुत आभार, आप शतायु हो और जी यूट्यूब चैनल के लिए कहिए जी, मैं कहने लगा हूँ आप शतायु हो, भारत की धरती की धर्म की यूं ही सेवा करते रहे, हम सबको आपका साथ मिलता रहे। और दर्शकों से निवेदन कि तुफेल चतुर्वेदी जी के नाम से ही, तुफेल चतुर्वेदी नाम से ही चैनल है, वहाँ जाएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, देखें, ज्ञान उनका ग्रहण करें और आगे बढ़ें। इसके साथ हम आज इतिश्री करते हैं, भारत माता की जय, वंदे मातरम। वंदे मातरम।